हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में फिल्म की जो रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और लोगों के द्वारा दिया हुआ रिव्यूज़ और उनका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, और ये फिल्म किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है और थिएटर पर कब तक रिलीज़ की जाएगी और OTT प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कब तक दिखी जाएगी और YouTube पे अवेलेबल है या नहीं, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने इस वीडियो में मूवी को बहुत अच्छे से रिव्यू किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फिर शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है रोबोट। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोबोट, जिसे तमिल में एंतिरन कहते हैं, वो 2010 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जिसे यस शंकर ने लिखा और निर्देशित किया है। यह उत्साही फिल्म श्रृंखला में पहली किस्त है। फिल्म में रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ डैनी डिजोगप्पम, संतनम और अरुणम सहायक भूमिका में हैं। साउंडट्रैक एल्बम और पृष्ठभूमि स्कोर AR रहमान द्वारा रचित थे, जबकि संवाद, छायांकन, संपादन और कलाम निर्देशन क्रमश मदन कार्की, आर रत्ना वेलून इंथनी और साबू सिरिल द्वारा नियंत्रित किया गया था। कहानी एक वैज्ञानिक के वशीकरण के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है, जो चिट्टी नाम के अपने एंड्रॉइड ह्यूमनाइड रोबोट को नियंत्रित करने के लिए चिट्टी के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के बाद उसे मानवीय भावनाओं को समझाने और प्रदर्शित करने की क्षमता प्रदान करता है। परियोजना उल्टी पड़ जाती है जब चिट्टी वशीकरण की प्रेमिका सनाक्स के प्यार में पड़ जाता है और एक अतिथि वैज्ञानिक भोराम द्वारा चालाकी से उसे मनवा घातक बना दिया जाता है। लगभग एक दशक तक विकास के चरण में रुके रहने के बाद फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी 2008 में शुरू हुई और 2 साल तक चली। फिल्म ने भारतीय सिनेमा में लिगेसी इफेक्ट्स स्टूडियो की शुरुआत की। एंतिरन मतलब रोबोट को 1 अक्टूबर 2010 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। कलानिधि मारन द्वारा निर्मित यह उस समय तक भारत की सबसे महंगी फिल्म थी। रिलीज होने पर फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने विशेष रूप से शंकर के निर्देशन, कथानक रजनीकांत के चिट्ठी के रूप में प्रदर्शन, संगीत, एक्शन दृश्यों, उत्पादन मूल्यों और वी श्रीनिवास मोहन के दृश्यों प्रभाव की सराहना की। एंतिरन मतलब रोबोट 2010 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की 51वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। इसने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 फिल्मफेयर पुरस्कार, 7 विजय पुरस्कार और 2 स्क्रीन पुरस्कार जीते। रोबोट के बाद एक स्टेट दुलम सीक्वल 2.0 आई, जो 2018 में रिलीज हुई थी। और ये बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो के वशीकरण के और चिट्टी के रूप में हैं,
दोहरी भूमिका निभा रहे हैं रजनीकांत, वही सना के रूप में ऐश्वर्या राय बच्चन हमें दिखाई देंगे। प्रोफेसर बोहरा के रूप में डैनी डिसोगपाहिल, वही संतनम शिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वरुणा रवि के रूप में हैं। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दैनिक समाचार पत्र बिजनेस लाइन में बताया कि रोबोट ने शुरुआती सप्ताह में सभी संस्करणों से 580 करोड़ मतलब 58 करोड़ की कमाई की। और द इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा कि इसने अपने शुरुआती सप्ताह के अंत तक 1.7 मतलब 117 करोड़ की कमाई की। हिंदुस्तान टाइम्स की फरवरी 2015 भी एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने अपने जीवन काल में दुनिया भर में 250 करोड़ से अधिक की कमाई की है। इंडोनेशिया न्यूज सर्विस ने जुलाई 2015 में कहा कि फिल्म ने अपने मूल और डब दोनों संस्करणों से 290 करोड़ की कमाई की। रोबोट माय नेम इज खान और दबंग के बाद 2010 की शीर्ष कमाई वाली भारतीय फिल्म बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के स्टैंडअलोन सीक्वल्स के बारे में, तो सितंबर 2015 में लेखक बी जयमोहन ने घोषणा की कि इंतरिन मतलब रोबोट के लिए एक स्टैंडअलोन सीक्वल का प्री प्रोडक्शन चरण पूरे जोरों पर चल रहा था और उस वर्ष के अंत तक रजनीकांत द्वारा कबाली के लिए फिल्मांकन समाप्त करने के बाद प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हो गई। रवि नीरव शाह छायाकार होंगे और AR रहमान संगीत निर्देशक के रूप में लौटेंगे, जबकि समुद्रा कलाम निर्देशन संभालेंगे। सीक्वल को 3D में शूट किया जाएगा, इसके पूर्व के विपरीत जिसे 2D में शूट किया गया था और पोस्ट प्रोडक्शन में 3D में बदल दिया गया था। 2.0 शीर्षक से फिल्म ने दिसंबर 2015 में निर्माण में प्रवेश किया और 29 नवंबर 2018 को तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषाओं में दुनिया भर में रिलीज हुई। अक्षय कुमार और एमी जैक्सन द्वारा निभाए गए अतिरिक्त कलाकारों के साथ रजनीकांत ने वसीकरण और चिट्ठी के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है रोबोट। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोबोट जिसे तमिल में एंथिरन कहते हैं, वो 2010 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसे यस शंकर ने लिखा और निर्देशित किया है। यह उत्साही फिल्म श्रृंखला में पहली किस्त है। फिल्म में रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ डैनी डिसोगपाहिल, संतनम और अरुणम सहायक भूमिका में हैं। साउंडट्रैक एल्बम और पृष्ठभूमि स्कोर AR रहमान द्वारा रचित थे, जबकि संवाद छायांकन संपादन और कलाम निर्देशन क्रमश मदन कार्की, आर रत्नावेलून, एंथनी और साबू सिरिल द्वारा नियंत्रित किया गया था। कहानी एक वैज्ञानिक के वशीकरण के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है, जो चिट्टी नाम के अपने एंड्रॉइड ह्यूमनाइड रोबोट को नियंत्रित करने के लिए चिट्टी के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के बाद उसे मानवीय भावनाओं को समझाने और प्रदर्शित करने की क्षमता प्रदान करता है। परियोजना उल्टी पड़ जाती है जब चिट्टी वशीकरण की प्रेमिका सना के
प्यार में फट जाता है। और एक अद्वितीय वैज्ञानिक बोराम द्वारा चालाकी से उसे मनोवा घातक बना दिया जाता है। लगभग एक दशक तक विकास के चरण में रुके रहने के बाद फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी 2008 में शुरू हुई और 2 साल तक चली। फिल्म ने भारतीय सिनेमा में लिगेसी इफेक्ट्स स्टूडियो की शुरुआत की। एंथीरन मतलब रोबोट को 1 अक्टूबर 2010 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। कलानिधि मारन द्वारा निर्मित यह उस समय तक भारत की सबसे महंगी फिल्म थी। रिलीज होने पर फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने विशेष रूप से शंकर के निर्देशन, कथानक रजनीकांत के चिट्ठी के रूप में, प्रदर्शन, संगीत, एक्शन दृश्यों, उत्पादन मूल्यों और वी श्रीनिवास मोहन के दृश्यों प्रभाव की सराहना की। एंथीरन मतलब रोबोट 2010 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की 51वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। इसने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 फिल्मफेयर पुरस्कार, 7 विजय पुरस्कार और 2 स्क्रीन पुरस्कार जीते। रोबोट के बाद एक स्टेंडुलम सीक्वल 2.0 आई जो 2018 में रिलीज हुई थी। और ये बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो के वसीकरण के और चिट्टी के रूप में हैं, दोहरी भूमिका निभा रहे हैं रजनीकांत, वही सना के रूप में ऐश्वर्या राय बच्चन हमें दिखाई देंगे। प्रोफेसर बोहरा के रूप में डैनी डिज़ोगपा है, वही संतनम शिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वरुणास रवि के रूप में है। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दैनिक समाचार पत्र बिजनेस लाइन ने बताया कि रोबोट ने शुरुआती सप्ताह में सभी संस्करणों से 558 करोड़ की कमाई की। और द इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा कि इसने अपने शुरुआती सप्ताह के अंत तक 117 करोड़ की कमाई की। हिंदुस्तान टाइम्स की फरवरी 2015वीं एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने अपने जीवन काल में दुनिया भर में 250 करोड़ से अधिक की कमाई की है। इंडोनेशिया न्यूज सर्विस ने जुलाई 2015 में कहा कि फिल्म ने अपने मूल और डब दोनों संस्करणों से 290 करोड़ की कमाई की। रोबोट माय नेम इज खान और दबंग के बाद 2010 की शीर्ष कमाई वाली भारतीय फिल्म बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के स्टैंडुलम सिक्वल्स के बारे में तो सितंबर 2015 में लेखक बी जयमोहन ने घोषणा की कि इंतरिन मतलब रोबोट के लिए एक स्टैंडुलम सिक्वल का प्री प्रोडक्शन चरण पूरे जोरों पर चल रहा था और उस वर्ष के अंत तक रजनीकांत द्वारा कबाली के लिए फिल्मांकन समाप्त करने के बाद प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हो गई। रवि नीरव शाह छायाकार होंगे और AR रहमान संगीत निर्देशक के रूप में लौटेंगे, जबकि समुद्रा कलाम निर्देशन संभालेंगे। सिक्वल को 3D में शूट किया जाएगा। इसके पूर्व के विपरीत जिसे 2D में शूट किया गया था और पोस्ट प्रोडक्शन में 3D में बदल दिया गया था। 2.0 शीर्षक से फिल्म ने दिसंबर 2015 में निर्माण में प्रवेश किया और 29 नवंबर 2018 को तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषाओं में दुनिया भर में रिलीज हुई। अक्षय कुमार और एमी जैक्सन द्वारा निभाए गए अतिरिक्त कलाकारों के साथ रजनीकांत ने वसीकरण और चिट्ठी के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराया था।
तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है रोबोट। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोबोट, जिसे तमिल में एंतिरन कहते हैं, वो 2010 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जिसे यस शंकर ने लिखा और निर्देशित किया है। यह उत्साही फिल्म श्रृंखला में पहली किस्त है। फिल्म में रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ डैनी डिज़ोगप्पा, संतानम और अरुणम सहायक भूमिका में हैं। साउंड ट्रैक एल्बम और पृष्ठभूमि स्कोर A.R. रहमान द्वारा रचित थे, जबकि संवाद, छायांकन, संपादन और कलाम निर्देशन क्रमश मदन कार्की आर, रत्ना वेलून एंथनी और साबू सिरिल द्वारा नियंत्रित किया गया था। कहानी एक वैज्ञानिक के वशीकरण के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है, जो चिट्टी नाम के अपने एंड्रॉइड ह्यूमनॉइड रोबोट को नियंत्रित करने के लिए चिट्टी के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के बाद उसे मानवीय भावनाओं को समझाने और प्रदर्शित करने की क्षमता प्रदान करता है। परियोजना उल्टी पड़ जाती है जब चिट्टी वशीकरण की प्रेमिका सनाक्स के प्यार में पड़ जाता है और एक अतिथि वैज्ञानिक भोराम द्वारा चालाकी से उसे मनवा घातक बना दिया जाता है। लगभग एक दशक तक विकास के चरण में रुके रहने के बाद फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी 2008 में शुरू हुई और 2 साल तक चली। फिल्म ने भारतीय सिनेमा में लिगेसी इफेक्ट्स स्टूडियो की शुरुआत की। एंतिरन मतलब रोबोट को 1 अक्टूबर 2010 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। कलानिधि मारन द्वारा निर्मित यह उस समय तक भारत की सबसे महंगी फिल्म थी। रिलीज होने पर फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने विशेष रूप से शंकर के निर्देशन, कथानक रजनीकांत के चिट्ठी के रूप में प्रदर्शन, संगीत, एक्शन दृश्यों, उत्पादन मूल्यों और वी श्रीनिवास मोहन के दृश्यों प्रभाव की सराहना की। एंतिरन मतलब रोबोट 2010 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की 51वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। इसने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 फिल्मफेयर पुरस्कार, 7 विजय पुरस्कार और 2 स्क्रीन पुरस्कार जीते। रोबोट के बाद एक स्टेट डुलम सीक्वल 2.0 आई, जो 2018 में रिलीज हुई थी। और ये बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो के वशीकरण के और चिट्टी के रूप में हैं, दोहरी भूमिका निभा रहे हैं रजनीकांत, वही सना के रूप में ऐश्वर्या राय बच्चन हमें दिखाई देंगे। प्रोफेसर भोरा के रूप में डैनी डिज़ोगप्पा है, वही संतानम शिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वरुणास रवि के रूप में है। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दैनिक समाचार पत्र बिजनेस लाइन ने बताया कि रोबोट ने शुरुआती सप्ताह में सभी संस्करणों से 58 करोड़ की कमाई की और द इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा कि इसने अपने शुरुआती सप्ताह के अंत तक 117 करोड़ की कमाई की। हिंदुस्तान टाइम्स की फरवरी 2015वीं एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने अपने जीवन काल में दुनिया भर में 250 करोड़ से अधिक की कमाई की है। इंडोनेशिया न्यूज सर्विस ने जुलाई 2015 में कहा कि फिल्म ने अपने मूल
और डब दोनों संस्करणों से 290 करोड़ की कमाई की। रोबोट माई नेम इज खान और दबंग के बाद 2010 की शीर्ष कमाई वाली भारतीय फिल्म बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के स्टैंडअलोन सीक्वल्स के बारे में तो सितंबर 2015 में लेखक बी जयमोहन ने घोषणा की कि इंतरिन मतलब रोबोट के लिए एक स्टैंडअलोन सीक्वल का प्री प्रोडक्शन चरण पूरे जोरों पर चल रहा था और उस वर्ष के अंत तक रजनीकांत द्वारा कबाली के लिए फिल्मांकन समाप्त करने के बाद प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हो गई। रविंद्र नीरव शाह छायाकार होंगे और A.R. रहमान संगीत निर्देशक के रूप में लौटेंगे, जबकि समुद्रा कलाम निर्देशन संभालेंगे। सिक्वल को 3D में शूट किया जाएगा, इसके पूर्व के विपरीत जिसे 2D में शूट किया गया था और पोस्ट प्रोडक्शन में 3D में बदल दिया गया था। 2.0 शीर्षक से फिल्म ने दिसंबर 2015 में निर्माण में प्रवेश किया और 29 नवंबर 2018 को तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषाओं में दुनिया भर में रिलीज हुई। अक्षय कुमार और एमी जैक्सन द्वारा निभाए गए अतिरिक्त कलाकारों के साथ रजनीकांत ने वसीकरण और चिट्ठी के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है रोबोट। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोबोट जिसे तमिल में एंतिरन कहते हैं वो 2010 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसे यस शंकर ने लिखा और निर्देशित किया है। यह उत्साही फिल्म श्रृंखला में पहली किस्त है। फिल्म में रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ डैनी डिजोगप्पा संतानम और अरुणाम सहायक भूमिका में हैं। साउंडट्रैक एल्बम और पृष्ठभूमि स्कोर A.R. रहमान द्वारा रचित थे, जबकि संवाद छायांकन संपादन और कलाम निर्देशन क्रमश मदन कार्की आर रत्नावेलु एंथनी और साबू सिरिल द्वारा नियंत्रित किया गया था। कहानी एक वैज्ञानिक के वशीकरण के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है जो चिट्टी नाम के अपने एंड्रॉइड ह्यूमनाइड रोबोट को नियंत्रित करने के लिए चिट्टी के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के बाद उसे मानवीय भावनाओं को समझाने और प्रदर्शित करने की क्षमता प्रदान करता है। परियोजना उल्टी पड़ जाती है जब चिट्टी वसीकरण की प्रेमिका सनाक्स के प्यार में पड़ जाता है और एक अतिथि वैज्ञानिक भोराम द्वारा चालाकी से उसे मनवा घातक बना दिया जाता है। लगभग एक दशक तक विकास के चरण में रुके रहने के बाद फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी 2008 में शुरू हुई और 2 साल तक चली। फिल्म ने भारतीय सिनेमा में लिगेसी इफेक्ट्स स्टूडियो की शुरुआत की। एंतिरन मतलब रोबोट को 1 अक्टूबर 2010 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। कलानिधि मारन द्वारा निर्मित यह उस समय तक भारत की सबसे महंगी फिल्म थी। रिलीज होने पर फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने विशेष रूप से शंकर के निर्देशन, कथानक रजनीकांत के चिट्ठी के रूप में प्रदर्शन, संगीत, एक्शन दृश्यों, उत्पादन मूल्यों और वी श्रीनिवास मोहन के दृश्य प्रभाव की
सराहना की। एंटीरन मतलब रोबोट 2010 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की 51वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। इसने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 फिल्मफेयर पुरस्कार, 7 विजय पुरस्कार और 2 स्क्रीन पुरस्कार जीते। रोबोट के बाद एक स्टेट दुलम सीक्वल 2.0 आई जो 2018 में रिलीज हुई थी। और ये बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो के वसीकरण के और चिट्टी के रूप में हैं, दोहरी भूमिका निभा रहे हैं रजनीकांत, वही सना के रूप में ऐश्वर्या राय बच्चन हमें दिखाई देंगे। प्रोफेसर बोहरा के रूप में डैनी डिसोगपा है, वही संतनम शिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वरुणास रवि के रूप में है। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दैनिक समाचार पत्र बिजनेस लाइन ने बताया कि रोबोट ने शुरुआती सप्ताह में सभी संस्करणों से 580 करोड़ मतलब 58 करोड़ की कमाई की। और द इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा कि इसने अपने शुरुआती सप्ताह के अंत तक 1.7 मतलब 117 करोड़ की कमाई की। हिंदुस्तान टाइम्स की फरवरी 2015वीं एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने अपने जीवन काल में दुनिया भर में 250 करोड़ से अधिक की कमाई की है। इंडोनेशिया न्यूज सर्विस ने जुलाई 2015 में कहा कि फिल्म ने अपने मूल और डब दोनों संस्करणों से 290 करोड़ की कमाई की। रोबोट माय नेम इज खान और दबंग के बाद 2010 की शीर्ष कमाई वाली भारतीय फिल्म बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के स्टैंडलम सिक्वल्स के बारे में तो सितंबर 2015 में लेखक बी जयमोहन ने घोषणा की कि इंटरिन मतलब रोबोट के लिए एक स्टैंडलम सिक्वल का प्री प्रोडक्शन चरण पूरे जोरों पर चल रहा था और उस वर्ष के अंत तक रजनीकांत द्वारा कबाली के लिए फिल्मांकन समाप्त करने के बाद प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हो गई। रविंद्र नीरव शाह छायाकार होंगे और A.R. रहमान संगीत निर्देशक के रूप में लौटेंगे, जबकि समुद्रा कलाम निर्देशन संभालेंगे। सिक्वल को 3D में शूट किया जाएगा, इसके पूर्व के विपरीत जिसे 2D में शूट किया गया था और पोस्ट प्रोडक्शन में 3D में बदल दिया गया था। 2.0 शीर्षक से फिल्म ने दिसंबर 2015 में निर्माण में प्रवेश किया और 29 नवंबर 2018 को तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषाओं में दुनिया भर में रिलीज हुई। अक्षय कुमार और एम जैक्सन द्वारा निभाए गए अतिरिक्त कलाकारों के साथ रजनीकांत ने वसीकरण और चिट्ठी के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है रोबोट। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोबोट जिसे तमिल में एंटीरन कहते हैं वो 2010 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसे यस शंकर ने लिखा और निर्देशित किया है। यह उत्साही फिल्म श्रृंखला में पहली किस्त है। फिल्म में रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ डैनी डिसोगपा, संतनम और अरुणम सहायक भूमिका में हैं। साउंडट्रैक एल्बम और पृष्ठभूमि स्कोर A.R. रहमान द्वारा रचित थे, जबकि संवाद छायांकन संपादन और कलाम निर्देशन क्रमश मदन कार्की, आर रत्नावेलु, एंथनी और साबू सिरिल द्वारा नियंत्रित किया गया था।
कहानी एक वैज्ञानिक के वशीकरण के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है, जो चिट्टी नाम के अपने एंड्रॉइड ह्यूमनाइड रोबोट को नियंत्रित करने के लिए चिट्टी के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के बाद उसे मानवीय भावनाओं को समझाने और प्रदर्शित करने की क्षमता प्रदान करता है। परियोजना उल्टी पड़ जाती है जब चिट्टी वशीकरण की प्रेमिका सनाक्स के प्यार में पड़ जाता है और एक अतिथि वैज्ञानिक बोहराम द्वारा चालाकी से उसे मनोवा घातक बना दिया जाता है। लगभग एक दशक तक विकास के चरण में रुके रहने के बाद फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी 2008 में शुरू हुई और 2 साल तक चली। फिल्म ने भारतीय सिनेमा में लिगेसी इफेक्ट्स स्टूडियो की शुरुआत की। एंथीरन मतलब रोबोट को 1 अक्टूबर 2010 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। कलानिधि मारन द्वारा निर्मित यह उस समय तक भारत की सबसे महंगी फिल्म थी। रिलीज होने पर फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने विशेष रूप से शंकर के निर्देशन, कथानक रजनीकांत के चिट्ठी के रूप में प्रदर्शन, संगीत, एक्शन दृश्यों, उत्पादन मूल्यों और वी श्रीनिवास मोहन के दृश्य प्रभाव की सराहना की। एंथीरन मतलब रोबोट 2010 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की 51वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। इसने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 फिल्मफेयर पुरस्कार, 7 विजय पुरस्कार और 2 स्क्रीन पुरस्कार जीते। रोबोट के बाद एक स्टेंडुलम सीक्वल 2.0 आई जो 2018 में रिलीज हुई थी। और ये बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो के वशीकरण के और चिट्टी के रूप में है, दोहरी भूमिका निभा रहे हैं रजनीकांत, वही सना के रूप में ऐश्वर्या राय बच्चन हमें दिखाई देंगे। प्रोफेसर बोहरा के रूप में डैनी डिसोगपा है, वही संतनम शिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वरुणास रवि के रूप में है। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दैनिक समाचार पत्र बिजनेस लाइन में बताया कि रोबोट ने शुरुआती सप्ताह में सभी संस्करणों से 558 करोड़ की कमाई की और द इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा कि इसने अपने शुरुआती सप्ताह के अंत तक 117 करोड़ की कमाई की। हिंदुस्तान टाइम्स की फरवरी 2015वीं एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने अपने जीवन काल में दुनिया भर में 250 करोड़ से अधिक की कमाई की है। इंडोनेशिया न्यूज सर्विस ने जुलाई 2015 में कहा कि फिल्म ने अपने मूल और डब दोनों संस्करणों से 290 करोड़ की कमाई की। रोबोट माय नेम इज खान और दबंग के बाद 2010 की शीर्ष कमाई वाली भारतीय फिल्म बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के स्टैंडुलम सीक्वल्स के बारे में तो सितंबर 2015 में लेखक बी जयमोहन ने घोषणा की कि इंतरिन मतलब रोबोट के लिए एक स्टैंडुलम सीक्वल का प्री प्रोडक्शन चरण पूरे जोरों पर चल रहा था और उस वर्ष के अंत तक रजनीकांत द्वारा कबाली के लिए फिल्मांकन समाप्त करने के बाद प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हो गई। रवि नीरव शाह छायाकार होंगे और A.R. रहमान संगीत निर्देशक के रूप में लौटेंगे, जबकि समुद्रा कलाम निर्देशन संभालेंगे। सीक्वल को 3D में शूट किया जाएगा। इसके पूर्व के
विपरीत जिसे 2D में शूट किया गया था और पोस्ट प्रोडक्शन में 3D में बदल दिया गया था। 2.0 शीर्षक से फिल्म ने दिसंबर 2015 में निर्माण में प्रवेश किया और 29 नवंबर 2018 को तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषाओं में दुनिया भर में रिलीज हुई। अक्षय कुमार और एमी जैक्सन द्वारा निभाए गए अतिरिक्त कलाकारों के साथ रजनीकांत ने वसीकरण और चिट्ठी के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है रोबोट। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोबोट जिसे तमिल में एंतिरन कहते हैं, वो 2010 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसे यस शंकर ने लिखा और निर्देशित किया है। यह उत्साही फिल्म श्रृंखला में पहली किस्त है। फिल्म में रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ डैनी डिजोगप्पा, संतानम और अरुणम सहायक भूमिका में हैं। साउंडट्रैक एल्बम और पृष्ठभूमि स्कोर AR रहमान द्वारा रचित थे, जबकि संवाद, छायांकन, संपादन और कलाम निर्देशन क्रमश मदन कार्की आर, रत्नावेलु एंथनी और साबू सिरिल द्वारा नियंत्रित किया गया था। कहानी एक वैज्ञानिक के वशीकरण के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है जो चिट्टी नाम के अपने एंड्रॉइड ह्यूमनाइड रोबोट को नियंत्रित करने के लिए चिट्टी के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के बाद उसे मानवीय भावनाओं को समझाने और प्रदर्शित करने की क्षमता प्रदान करता है। परियोजना उल्टी पड़ जाती है जब चिट्टी वशीकरण की प्रेमिका सनाक्स के प्यार में पड़ जाता है और एक अतिथि वैज्ञानिक बोराम द्वारा चालाकी से उसे मनवा घातक बना दिया जाता है। लगभग एक दशक तक विकास के चरण में रुके रहने के बाद फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी 2008 में शुरू हुई और 2 साल तक चली। फिल्म ने भारतीय सिनेमा में लिगेसी इफेक्ट्स स्टूडियो की शुरुआत की। एंतिरन मतलब रोबोट को 1 अक्टूबर 2010 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। कलानिधि मारन द्वारा निर्मित यह उस समय तक भारत की सबसे महंगी फिल्म थी। रिलीज होने पर फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने विशेष रूप से शंकर के निर्देशन, कथानक रजनीकांत के चिट्ठी के रूप में प्रदर्शन, संगीत, एक्शन दृश्यों, उत्पादन मूल्यों और वी श्रीनिवास मोहन के दृश्यों प्रभाव की सराहना की। एंतिरन मतलब रोबोट 2010 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की 51वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। इसने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 फिल्मफेयर पुरस्कार, 7 विजय पुरस्कार और 2 स्क्रीन पुरस्कार जीते। रोबोट के बाद एक स्टेट डुलम सीक्वल 2.0 आई जो 2018 में रिलीज हुई थी। और ये बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो के वसीकरण के और चिट्टी के रूप में है, दोहरी भूमिका निभा रहे हैं रजनीकांत, वही सना के रूप में ऐश्वर्या राय बच्चन हमें दिखाई देंगे। प्रोफेसर बोरा के रूप में डैनी डिजोगप्पा है, वही संतानम शिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वरुणास रवि के रूप में है। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दैनिक समाचार पत्र बिजनेस लाइन ने बताया कि रोबोट ने शुरुआती सप्ताह में सभी
संस्करणों से 580 करोड़ मतलब 58 करोड़ की कमाई की। और द इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा कि इसने अपने शुरुआती सप्ताह के अंत तक 1.7 मतलब 117 करोड़ की कमाई की। हिंदुस्तान टाइम्स की फरवरी 2015 एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने अपने जीवन काल में दुनिया भर में 250 करोड़ से अधिक की कमाई की है। इंडोनेशिया न्यूज सर्विस ने जुलाई 2015 में कहा कि फिल्म ने अपने मूल और डब दोनों संस्करणों से 290 करोड़ की कमाई की। रोबोट माय नेम इज खान और दबंग के बाद 2010 की शीर्ष कमाई वाली भारतीय फिल्म बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के स्टैंडअलोन सीक्वल्स के बारे में तो सितंबर 2015 में लेखक बी जयमोहन ने घोषणा की कि इंतरिन मतलब रोबोट के लिए एक स्टैंडअलोन सीक्वल का प्री प्रोडक्शन चरण पूरे जोरों पर चल रहा था और उस वर्ष के अंत तक रजनीकांत द्वारा कबाली के लिए फिल्मांकन समाप्त करने के बाद प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हो गई। रविंद्र नीरव शाह छायाकार होंगे और A.R. रहमान संगीत निर्देशक के रूप में लौटेंगे, जबकि समुद्रा कलाम निर्देशन संभालेंगे। सिक्वल को 3D में शूट किया जाएगा, इसके पूर्व के विपरीत जिसे 2D में शूट किया गया था और पोस्ट प्रोडक्शन में 3D में बदल दिया गया था। 2.0 शीर्षक से फिल्म ने दिसंबर 2015 में निर्माण में प्रवेश किया और 29 नवंबर 2018 को तमिल तेलुगु और हिंदी भाषाओं में दुनिया भर में रिलीज हुई। अक्षय कुमार और एमी जैक्सन द्वारा निभाए गए अतिरिक्त कलाकारों के साथ रजनीकांत ने वसीकरण और चिट्ठी के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है रोबोट। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोबोट जिसे तमिल में एंतिरन कहते हैं वो 2010 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसे यस शंकर ने लिखा और निर्देशित किया है। यह उत्साही फिल्म श्रृंखला में पहली किस्त है। फिल्म में रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ डैनी डिजोगप्पा संतानम और अरुणाम सहायक भूमिका में हैं। साउंडट्रैक एल्बम और पृष्ठभूमि स्कोर A.R. रहमान द्वारा रचित थे, जबकि संवाद छायांकन संपादन और कलाम निर्देशन क्रमश मदन कार्की आर रत्नावेलू एंथनी और साबू सिरिल द्वारा नियंत्रित किया गया था। कहानी एक वैज्ञानिक के वशीकरण के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है जो चिट्टी नाम के अपने एंड्रॉइड ह्यूमनाइड रोबोट को नियंत्रित करने के लिए चिट्टी के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के बाद उसे मानवीय भावनाओं को समझाने और प्रदर्शित करने की क्षमता प्रदान करता है। परियोजना उल्टी पड़ जाती है जब चिट्टी वसीकरण की प्रेमिका सनाक्स के प्यार में पड़ जाता है और एक अतिथि वैज्ञानिक भोराम द्वारा चालाकी से उसे मनवा घातक बना दिया जाता है। लगभग एक दशक तक विकास के चरण में रुके रहने के बाद फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी 2008 में शुरू हुई और 2 साल तक चली। फिल्म ने भारतीय सिनेमा में लिगेसी इफेक्ट्स स्टूडियो
की शुरुआत की। इंटीरन मतलब रोबोट को 1 अक्टूबर 2010 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। कलानिधि मारन द्वारा निर्मित यह उस समय तक भारत की सबसे महंगी फिल्म थी। रिलीज होने पर फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने विशेष रूप से शंकर के निर्देशन, कथानक रजनीकांत के चिट्ठी के रूप में, प्रदर्शन, संगीत, एक्शन दृश्यों, उत्पादन मूल्यों और वी श्रीनिवास मोहन के दृश्यों प्रभाव की सराहना की। इंतिरन मतलब रोबोट 2010 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की 51वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। इसने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 फिल्मफेयर पुरस्कार, 7 विजय पुरस्कार और 2 स्क्रीन पुरस्कार जीते। रोबोट के बाद एक स्टेट दुलम सीक्वल 2.0 आई जो 2018 में रिलीज हुई थी। और ये बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो के वसीकरण के और चिट्टी के रूप में हैं, दोहरी भूमिका निभा रहे हैं रजनीकांत, वही सना के रूप में ऐश्वर्या राय बच्चन हमें दिखाई देंगे, प्रोफेसर बोहरा के रूप में डैनी डिसूज़ा है, वही संतनम शिव के रूप में हमें दिखाई देंगे, वरुणास रवि के रूप में है। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दैनिक समाचार पत्र बिजनेस लाइन ने बताया कि रोबोट ने शुरुआती सप्ताह में सभी संस्करणों से 558 करोड़ की कमाई की। और द इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा कि इसने अपने शुरुआती सप्ताह के अंत तक 117 करोड़ की कमाई की। हिंदुस्तान टाइम्स की फरवरी 2015वीं एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने अपने जीवन काल में दुनिया भर में 250 करोड़ से अधिक की कमाई की है। इंडोनेशिया न्यूज सर्विस ने जुलाई 2015 में कहा कि फिल्म ने अपने मूल और डब दोनों संस्करणों से 290 करोड़ की कमाई की। रोबोट माय नेम इज खान और दबंग के बाद 2010 की शीर्ष कमाई वाली भारतीय फिल्म बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई थी। कोई बात करें मूवी के स्टैंडअलोन सीक्वल्स के बारे में तो सितंबर 2015 में लेखक बी जयमोहन ने घोषणा की कि इंतरिन मतलब रोबोट के लिए एक स्टैंडअलोन सीक्वल का प्री प्रोडक्शन चरण पूरे जोरों पर चल रहा था और उस वर्ष के अंत तक रजनीकांत द्वारा कबाली के लिए फिल्मांकन समाप्त करने के बाद प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हो गई। रविंद्र नीरव शाह छायाकार होंगे और A.R. रहमान संगीत निर्देशक के रूप में लौटेंगे, जबकि समुद्रा कलाम निर्देशन संभालेंगे। सीक्वल को 3D में शूट किया जाएगा। इसके पूर्व के विपरीत जिसे 2D में शूट किया गया था और पोस्ट प्रोडक्शन में 3D में बदल दिया गया था। 2.0 शीर्षक से फिल्म ने दिसंबर 2015 में निर्माण में प्रवेश किया और 29 नवंबर 2018 को तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषाओं में दुनिया भर में रिलीज हुई। अक्षय कुमार और एमी जैक्सन द्वारा निभाए गए अतिरिक्त कलाकारों के साथ रजनीकांत ने वसीकरण और चिट्ठी के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है रोबोट। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोबोट जिसे तमिल में इंतिरन कहते हैं वो 2010 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसे यस शंकर ने लिखा और निर्देशित किया है।
यह उत्साही फिल्म श्रृंखला में पहली किस्त है। फिल्म में रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ डैनी डिजोगप्पम, संतनम और अरुणम सहायक भूमिका में हैं। साउंडट्रैक एल्बम और पृष्ठभूमि स्कोर ए आर रहमान द्वारा रचित थे, जबकि संवाद, छायांकन, संपादन और कला निर्देशन क्रमश मदन कार्की आर, रत्ना वेलून, एंथनी और साबू सिरिल द्वारा नियंत्रित किया गया था। कहानी एक वैज्ञानिक के वशीकरण के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है, जो चिट्टी नाम के अपने एंड्रॉइड ह्यूमनाइड रोबोट को नियंत्रित करने के लिए चिट्टी के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के बाद उसे मानवीय भावनाओं को समझाने और प्रदर्शित करने की क्षमता प्रदान करता है। परियोजना उल्टी पड़ जाती है जब चिट्टी वशीकरण की प्रेमिका सनाक्स के प्यार में पड़ जाता है और एक अतिथि वैज्ञानिक बोराम द्वारा चालाकी से उसे मनवा घातक बना दिया जाता है। लगभग एक दशक तक विकास के चरण में रुके रहने के बाद फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी 2008 में शुरू हुई और 2 साल तक चली। फिल्म ने भारतीय सिनेमा में लिगेसी इफेक्ट्स स्टूडियो की शुरुआत की। एंथीरन मतलब रोबोट को 1 अक्टूबर 2010 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। कलानिधि मारन द्वारा निर्मित यह उस समय तक भारत की सबसे महंगी फिल्म थी। रिलीज होने पर फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने विशेष रूप से शंकर के निर्देशन, कथानक रजनीकांत के चिट्ठी के रूप में प्रदर्शन, संगीत, एक्शन दृश्यों, उत्पादन मूल्यों और वी श्रीनिवास मोहन के दृश्य प्रभाव की सराहना की। एंथीरन मतलब रोबोट 2010 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की 51वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। इसने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 फिल्मफेयर पुरस्कार, 7 विजय पुरस्कार और 2 स्क्रीन पुरस्कार जीते। रोबोट के बाद एक स्टेंडुलम सीक्वल 2.0 आई जो 2018 में रिलीज हुई थी। और ये बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो के वशीकरण के और चिट्टी के रूप में है, दोहरी भूमिका निभा रहे हैं रजनीकांत, वही सना के रूप में ऐश्वर्या राय बच्चन हमें दिखाई देंगे। प्रोफेसर भोरा के रूप में डैनी डिजोगप्पा है, वही संतनम शिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वरुणा रवि के रूप में है। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दैनिक समाचार पत्र बिजनेस लाइन ने बताया कि रोबोट ने शुरुआती सप्ताह में सभी संस्करणों से 558 करोड़ की कमाई की और द इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा कि इसने अपने शुरुआती सप्ताह के अंत तक 117 करोड़ की कमाई की। हिंदुस्तान टाइम्स की फरवरी 2015वीं एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने अपने जीवन काल में दुनिया भर में 250 करोड़ से अधिक की कमाई की है। इंडोनेशिया न्यूज सर्विस ने जुलाई 2015 में कहा कि फिल्म ने अपने मूल और डब दोनों संस्करणों से 290 करोड़ की कमाई की। रोबोट माय नेम इज खान और दबंग के बाद 2010 की शीर्ष कमाई वाली भारतीय फिल्म बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के स्टैंडुलम सिक्वल्स के बारे में तो सितंबर 2015 में लेखक बी जयमोहन ने घोषणा की कि इंतरिन
मतलब रोबोट के लिए एक स्टैंडलोन सीक्वल का प्री प्रोडक्शन चरण पूरे जोरों पर चल रहा था और उस वर्ष के अंत तक रजनीकांत द्वारा कबाली के लिए फिल्मांकन समाप्त करने के बाद प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हो गई। रविंद्र नीरव शाह छायाकार होंगे और A.R. रहमान संगीत निर्देशक के रूप में लौटेंगे, जबकि समुद्रा कलाम निर्देशन संभालेंगे। सिक्वल को 3D में शूट किया जाएगा, इसके पूर्व के विपरीत जिसे 2D में शूट किया गया था और पोस्ट प्रोडक्शन में 3D में बदल दिया गया था। 2.0 शीर्षक से फिल्म ने दिसंबर 2015 में निर्माण में प्रवेश किया और 29 नवंबर 2018 को तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषाओं में दुनिया भर में रिलीज हुई। अक्षय कुमार और एमी जैक्सन द्वारा निभाए गए अतिरिक्त कलाकारों के साथ रजनीकांत ने वसीकरण और चिट्ठी के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है रोबोट। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोबोट जिसे तमिल में एंतिरन कहते हैं वो 2010 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसे यस शंकर ने लिखा और निर्देशित किया है। यह उत्साही फिल्म श्रृंखला में पहली किस्त है। फिल्म में रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ डैनी डिजोगप्पा संतानम और अरुणम सहायक भूमिका में हैं। साउंडट्रैक एल्बम और पृष्ठभूमि स्कोर A.R. रहमान द्वारा रचित थे, जबकि संवाद छायांकन संपादन और कलाम निर्देशन क्रमश मदन कार्की आर रत्नावेलु एंथनी और साबू सिरिल द्वारा नियंत्रित किया गया था। कहानी एक वैज्ञानिक के वशीकरण के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है जो चिट्टी नाम के अपने एंड्रॉइड ह्यूमनॉइड रोबोट को नियंत्रित करने के लिए चिट्टी के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के बाद उसे मानवीय भावनाओं को समझाने और प्रदर्शित करने की क्षमता प्रदान करता है। परियोजना उल्टी पड़ जाती है जब चिट्टी वसीकरण की प्रेमिका सनाक्स के प्यार में पड़ जाता है और एक अतिथि वैज्ञानिक बोराम द्वारा चालाकी से उसे मनवा घातक बना दिया जाता है। लगभग एक दशक तक विकास के चरण में रुके रहने के बाद फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी 2008 में शुरू हुई और 2 साल तक चली। फिल्म ने भारतीय सिनेमा में लिगेसी इफेक्ट्स स्टूडियो की शुरुआत की। एंतिरन मतलब रोबोट को 1 अक्टूबर 2010 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। कलानिधि मारन द्वारा निर्मित यह उस समय तक भारत की सबसे महंगी फिल्म थी। रिलीज होने पर फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने विशेष रूप से शंकर के निर्देशन, कथानक रजनीकांत के चिट्ठी के रूप में प्रदर्शन, संगीत, एक्शन दृश्यों, उत्पादन मूल्यों और वी श्रीनिवास मोहन के दृश्यों प्रभाव की सराहना की। एंतिरन मतलब रोबोट 2010 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की 51वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। इसने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 फिल्मफेयर पुरस्कार, 7 विजय पुरस्कार और 2 स्क्रीन पुरस्कार जीते। रोबोट के बाद एक स्टैंडअलोन सीक्वल 2.0 आई जो 2018 में रिलीज हुई थी।
और ये बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो के वसीकरण के और चिट्टी के रूप में है, दोहरी भूमिका निभा रहे हैं रजनीकांत, वही सना के रूप में ऐश्वर्या राय बच्चन हमें दिखाई देंगे, प्रोफेसर बोहरा के रूप में डैनी डिसूज़ा है, वही संतनम शिव के रूप में हमें दिखाई देंगे, वरुणास रवि के रूप में है। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दैनिक समाचार पत्र बिजनेस लाइन ने बताया कि रोबोट ने शुरुआती सप्ताह में सभी संस्करणों से 580 करोड़ मतलब 58 करोड़ की कमाई की, और द इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा कि इसने अपने शुरुआती सप्ताह के अंत तक 1.7 मतलब 117 करोड़ की कमाई की। हिंदुस्तान टाइम्स की फरवरी 2015 एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने अपने जीवन काल में दुनिया भर में 250 करोड़ से अधिक की कमाई की है। इंडोनेशिया न्यूज सर्विस ने जुलाई 2015 में कहा कि फिल्म ने अपने मूल और डब दोनों संस्करणों से 290 करोड़ की कमाई की। रोबोट माय नेम इज खान और दबंग के बाद 2010 की शीर्ष कमाई वाली भारतीय फिल्म बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के स्टैंडअलोन सीक्वल्स के बारे में तो सितंबर 2015 में लेखक बी जयमोहन ने घोषणा की कि इंतरिन मतलब रोबोट के लिए एक स्टैंडअलोन सीक्वल का प्री प्रोडक्शन चरण पूरे जोरों पर चल रहा था और उस वर्ष के अंत तक रजनीकांत द्वारा कबाली के लिए फिल्मांकन समाप्त करने के बाद प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हो गई। रवि नीरव शाह छायाकार होंगे और AR रहमान संगीत निर्देशक के रूप में लौटेंगे, जबकि समुद्रा कलाम निर्देशन संभालेंगे। सिक्वल को 3D में शूट किया जाएगा, इसके पूर्व के विपरीत जिसे 2D में शूट किया गया था और पोस्ट प्रोडक्शन में 3D में बदल दिया गया था। 2.0 शीर्षक से फिल्म ने दिसंबर 2015 में निर्माण में प्रवेश किया और 29 नवंबर 2018 को तमिल तेलुगु और हिंदी भाषाओं में दुनिया भर में रिलीज हुई। अक्षय कुमार और एमी जैक्सन द्वारा निभाए गए अतिरिक्त कलाकारों के साथ रजनीकांत ने वसीकरण और चिट्ठी के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है रोबोट। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोबोट जिसे तमिल में एंथिरन कहते हैं वो 2010 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसे यश शंकर ने लिखा और निर्देशित किया है। यह उत्साही फिल्म श्रृंखला में पहली किस्त है। फिल्म में रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ डैनी डिसूज़ा, संतनम और अरुणम सहायक भूमिका में हैं। साउंडट्रैक एल्बम और पृष्ठभूमि स्कोर AR रहमान द्वारा रचित थे, जबकि संवाद छायांकन संपादन और कलाम निर्देशन क्रमश मदन कार्की, आर रत्नावेलु, एंथनी और साबू सिरिल द्वारा नियंत्रित किया गया था। कहानी एक वैज्ञानिक के वसीकरण के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है जो चिट्टी नाम के अपने एंड्रॉइड ह्यूमनॉइड रोबोट को नियंत्रित करने के लिए चिट्टी के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के बाद उसे मानवीय भावनाओं को समझाने और प्रदर्शित करने की क्षमता प्रदान करता है। परियोजना उलट
उल्टी पड़ जाती है जब चिट्टी वशीकरण की प्रेमिका सनाक्ष के प्यार में पड़ जाता है और एक अतिथि वैज्ञानिक भोराम द्वारा चालाकी से उसे मनवा घातक बना दिया जाता है। लगभग एक दशक तक विकास के चरण में रुके रहने के बाद फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी 2008 में शुरू हुई और 2 साल तक चली। फिल्म ने भारतीय सिनेमा में लिगेसी इफेक्ट्स स्टूडियो की शुरुआत की। एंथीरन मतलब रोबोट को 1 अक्टूबर 2010 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। कलानिधि मारन द्वारा निर्मित यह उस समय तक भारत की सबसे महंगी फिल्म थी। रिलीज होने पर फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने विशेष रूप से शंकर के निर्देशन, कथानक रजनीकांत के चिट्ठी के रूप में प्रदर्शन, संगीत, एक्शन दृश्यों, उत्पादन मूल्यों और वी श्रीनिवास मोहन के दृश्यों प्रभाव की सराहना की। एंथीरन मतलब रोबोट 2010 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की 51वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। इसने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 फिल्मफेयर पुरस्कार, 7 विजय पुरस्कार और 2 स्क्रीन पुरस्कार जीते। रोबोट के बाद एक स्टेंडुलम सीक्वल 2.0 आई जो 2018 में रिलीज हुई थी। और ये बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो के वसीकरण के और चिट्टी के रूप में है, दोहरी भूमिका निभा रहे हैं रजनीकांत, वही सना के रूप में ऐश्वर्या राय बच्चन हमें दिखाई देंगे। प्रोफेसर भोरा के रूप में डैनी डिज़ोगपा है, वही संतनम शिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वरुणास रवि के रूप में है। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दैनिक समाचार पत्र बिजनेस लाइन ने बताया कि रोबोट ने शुरुआती सप्ताह में सभी संस्करणों से 58 करोड़ की कमाई की और द इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा कि इसने अपने शुरुआती सप्ताह के अंत तक 117 करोड़ की कमाई की। हिंदुस्तान टाइम्स की फरवरी 2015वीं एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने अपने जीवन काल में दुनिया भर में 250 करोड़ से अधिक की कमाई की है। इंडोनेशिया न्यूज सर्विस ने जुलाई 2015 में कहा कि फिल्म ने अपने मूल और डब दोनों संस्करणों से 290 करोड़ की कमाई की। रोबोट माय नेम इज खान और दबंग के बाद 2010 की शीर्ष कमाई वाली भारतीय फिल्म बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के स्टैंडुलम सिक्वल्स के बारे में तो सितंबर 2015 में लेखक बी जयमोहन ने घोषणा की कि इंतरिन मतलब रोबोट के लिए एक स्टैंडुलम सिक्वल का प्री प्रोडक्शन चरण पूरे जोरों पर चल रहा था और उस वर्ष के अंत तक रजनीकांत द्वारा कबाली के लिए फिल्मांकन समाप्त करने के बाद प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हो गई। रविंद्र नीरव शाह छायाकार होंगे और A.R. रहमान संगीत निर्देशक के रूप में लौटेंगे जबकि समुद्रा कलाम निर्देशन संभालेंगे। सिक्वल को 3D में शूट किया जाएगा। इसके पूर्व के विपरीत जिसे 2D में शूट किया गया था और पोस्ट प्रोडक्शन में 3D में बदल दिया गया था। 2.0 शीर्षक से फिल्म ने दिसंबर 2015 में निर्माण में प्रवेश किया और 29 नवंबर 2018 को तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषाओं में दुनिया भर में रिलीज हुई। अक्षय कुमार और एमी जैक्सन द्वारा निभाए गए अतिरिक्त कलाकारों के साथ रजनीकांत ने
वसीकरण और चिट्ठी के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है रोबोट। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोबोट, जिसे तमिल में एंतिरन कहते हैं, वो 2010 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जिसे यस शंकर ने लिखा और निर्देशित किया है। यह उत्साही फिल्म श्रृंखला में पहली किस्त है। फिल्म में रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ डैनी डिजोगप्पा, संतानम और अरुणम सहायक भूमिका में हैं। साउंडट्रैक एल्बम और पृष्ठभूमि स्कोर A.R. रहमान द्वारा रचित थे, जबकि संवाद, छायांकन, संपादन और कलाम निर्देशन क्रमश मदन कार्की आर, रत्ना वेलून, एंथनी और साबू सिरिल द्वारा नियंत्रित किया गया था। कहानी एक वैज्ञानिक के वशीकरण के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है, जो चिट्टी नाम के अपने एंड्रॉइड ह्यूमनाइड रोबोट को नियंत्रित करने के लिए चिट्टी के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के बाद उसे मानवीय भावनाओं को समझाने और प्रदर्शित करने की क्षमता प्रदान करता है। परियोजना उल्टी पड़ जाती है जब चिट्टी वसीकरण की प्रेमिका सनाक्स के प्यार में पड़ जाता है और एक अतिथि वैज्ञानिक बोराम द्वारा चालाकी से उसे मनोवा घातक बना दिया जाता है। लगभग एक दशक तक विकास के चरण में रुके रहने के बाद फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी 2008 में शुरू हुई और 2 साल तक चली। फिल्म ने भारतीय सिनेमा में लिगेसी इफेक्ट्स स्टूडियो की शुरुआत की। एंथिरन मतलब रोबोट को 1 अक्टूबर 2010 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। कलानिधि मारन द्वारा निर्मित यह उस समय तक भारत की सबसे महंगी फिल्म थी। रिलीज होने पर फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने विशेष रूप से शंकर के निर्देशन, कथानक रजनीकांत के चिट्ठी के रूप में प्रदर्शन, संगीत, एक्शन दृश्यों, उत्पादन मूल्यों और वी श्रीनिवास मोहन के दृश्यों प्रभाव की सराहना की। एंथिरन मतलब रोबोट 2010 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की 51वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। इसने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 फिल्मफेयर पुरस्कार, 7 विजय पुरस्कार और 2 स्क्रीन पुरस्कार जीते। रोबोट के बाद एक स्टेडुलम सीक्वल 2.0 आई, जो 2018 में रिलीज हुई थी। और ये बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो के वसीकरण के और चिट्टी के रूप में है, दोहरी भूमिका निभा रहे हैं रजनीकांत, वही सना के रूप में ऐश्वर्या राय बच्चन हमें दिखाई देंगे। प्रोफेसर बोहरा के रूप में डैनी डिजोगप्पा है, वही संतानम शिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। अरुणास रवि के रूप में है। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दैनिक समाचार पत्र बिजनेस लाइन ने बताया कि रोबोट ने शुरुआती सप्ताह में सभी संस्करणों से 558 करोड़ की कमाई की और द इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा कि इसने अपने शुरुआती सप्ताह के अंत तक 117 करोड़ की कमाई की। हिंदुस्तान टाइम्स की फरवरी 2015वीं एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने अपने जीवन काल में दुनिया भर में 250 करोड़ से अधिक की कमाई की है। इंडोनेशिया न्यूज सर्विस ने
जुलाई 2015 में कहा कि फिल्म ने अपने मूल और डब दोनों संस्करणों से 290 करोड़ की कमाई की। रोबोट माई नेम इज खान और दबंग के बाद 2010 की शीर्ष कमाई वाली भारतीय फिल्म बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के स्टैंडअलोन सीक्वल्स के बारे में तो सितंबर 2015 में लेखक बी जयमोहन ने घोषणा की कि इंतरिन मतलब रोबोट के लिए एक स्टैंडअलोन सीक्वल का प्री प्रोडक्शन चरण पूरे जोरों पर चल रहा था और उस वर्ष के अंत तक रजनीकांत द्वारा कबाली के लिए फिल्मांकन समाप्त करने के बाद प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हो गई। रविंद्र नीरव शाह छायाकार होंगे और A.R. रहमान संगीत निर्देशक के रूप में लौटेंगे, जबकि समुद्रा कलाम निर्देशन संभालेंगे। सीक्वल को 3D में शूट किया जाएगा, इसके पूर्व के विपरीत जिसे 2D में शूट किया गया था और पोस्ट प्रोडक्शन में 3D में बदल दिया गया था। 2.0 शीर्षक से फिल्म ने दिसंबर 2015 में निर्माण में प्रवेश किया और 29 नवंबर 2018 को तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषाओं में दुनिया भर में रिलीज हुई। अक्षय कुमार और एमी जैक्सन द्वारा निभाए गए अतिरिक्त कलाकारों के साथ रजनीकांत ने वसीकरण और चिट्टी के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है रोबोट। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोबोट जिसे तमिल में एंतिरन कहते हैं वो 2010 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसे यस शंकर ने लिखा और निर्देशित किया है। यह उत्साही फिल्म श्रृंखला में पहली किस्त है। फिल्म में रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ डैनी डिजोगप्पा संतानम और अरुणम सहायक भूमिका में हैं। साउंडट्रैक एल्बम और पृष्ठभूमि स्कोर A.R. रहमान द्वारा रचित थे, जबकि संवाद छायांकन संपादन और कलाम निर्देशन क्रमश मदन कार्की आर रत्नावेलु एंथनी और साबू सिरिल द्वारा नियंत्रित किया गया था। कहानी एक वैज्ञानिक के वशीकरण के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है जो चिट्टी नाम के अपने एंड्रॉइड ह्यूमनाइड रोबोट को नियंत्रित करने के लिए चिट्टी के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के बाद उसे मानवीय भावनाओं को समझाने और प्रदर्शित करने की क्षमता प्रदान करता है। परियोजना उल्टी पड़ जाती है जब चिट्टी वशीकरण की प्रेमिका सनाक्स के प्यार में पड़ जाता है और एक अतिथि वैज्ञानिक भोराम द्वारा चालाकी से उसे मनवा घातक बना दिया जाता है। लगभग एक दशक तक विकास के चरण में रुके रहने के बाद फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी 2008 में शुरू हुई और 2 साल तक चली। फिल्म ने भारतीय सिनेमा में लिगेसी इफेक्ट्स स्टूडियो की शुरुआत की। एंतिरन मतलब रोबोट को 1 अक्टूबर 2010 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। कलानिधि मारन द्वारा निर्मित यह उस समय तक भारत की सबसे महंगी फिल्म थी। रिलीज होने पर फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने विशेष रूप से शंकर के निर्देशन, कथानक रजनीकांत के चिट्ठी के रूप में प्रदर्शन, संगीत, एक्शन दृश्यों, उत्पादन मूल्यों और
वी श्रीनिवास मोहन के दृश्य प्रभाव की सराहना की। एंथिरन मतलब रोबोट 2010 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की 51वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। इसने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 फिल्मफेयर पुरस्कार, 7 विजय पुरस्कार और 2 स्क्रीन पुरस्कार जीते। रोबोट के बाद एक स्टेट डुलम सीक्वल 2.0 आई जो 2018 में रिलीज हुई थी। और ये बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो के वसीकरण के और चिट्टी के रूप में हैं, दोहरी भूमिका निभा रहे हैं रजनीकांत, वही सना के रूप में ऐश्वर्या राय बच्चन हमें दिखाई देंगे, प्रोफेसर बोहरा के रूप में डैनी लिज़ो गोपा है, वही संतनम शिव के रूप में हमें दिखाई देंगे, वरुणास रवि के रूप में हैं। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दैनिक समाचार पत्र बिजनेस लाइन ने बताया कि रोबोट ने शुरुआती सप्ताह में सभी संस्करणों से 580 करोड़ मतलब 58 करोड़ की कमाई की। और द इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा कि इसने अपने शुरुआती सप्ताह के अंत तक 1.7 मतलब 117 करोड़ की कमाई की। हिंदुस्तान टाइम्स की फरवरी 2015वीं एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने अपने जीवन काल में दुनिया भर में 250 करोड़ से अधिक की कमाई की है। इंडोनेशिया न्यूज सर्विस ने जुलाई 2015 में कहा कि फिल्म ने अपने मूल और डब दोनों संस्करणों से 290 करोड़ की कमाई की। रोबोट माय नेम इज खान और दबंग के बाद 2010 की शीर्ष कमाई वाली भारतीय फिल्म बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के स्टैंडअलोन सीक्वल्स के बारे में तो सितंबर 2015 में लेखक वी जयमोहन ने घोषणा की कि इंथिरन मतलब रोबोट के लिए एक स्टैंडअलोन सीक्वल का प्री प्रोडक्शन चरण पूरे जोरों पर चल रहा था और उस वर्ष के अंत तक रजनीकांत द्वारा कबाली के लिए फिल्मांकन समाप्त करने के बाद प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हो गई। रविंद्र नीरव शाह छायाकार होंगे और A.R. रहमान संगीत निर्देशक के रूप में लौटेंगे, जबकि समुद्रा कलाम निर्देशन संभालेंगे। सीक्वल को 3D में शूट किया जाएगा, इसके पूर्व के विपरीत जिसे 2D में शूट किया गया था और पोस्ट प्रोडक्शन में 3D में बदल दिया गया था। 2.0 शीर्षक से फिल्म ने दिसंबर 2015 में निर्माण में प्रवेश किया और 29 नवंबर 2018 को तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषाओं में दुनिया भर में रिलीज हुई। अक्षय कुमार और एमी जैक्सन द्वारा निभाए गए अतिरिक्त कलाकारों के साथ रजनीकांत ने वसीकरण और चिट्ठी के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है रोबोट। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोबोट जिसे तमिल में एंथिरन कहते हैं वो 2010 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसे यस शंकर ने लिखा और निर्देशित किया है। यह उत्साही फिल्म श्रृंखला में पहली किस्त है। फिल्म में रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ डैनी लिज़ो गोपा संतनम और अरुणम सहायक भूमिका में हैं। साउंडट्रैक एल्बम और पृष्ठभूमि स्कोर A.R. रहमान द्वारा रचित थे, जबकि संवाद छायांकन संपादन और कलाम निर्देशन क्रमश मदन कार्की, R. रत्नावेलु, एंथनी और
साबू सिरिल द्वारा नियंत्रित किया गया था। कहानी एक वैज्ञानिक के वशीकरण के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है, जो चिट्टी नाम के अपने एंड्रॉइड ह्यूमनाइड रोबोट को नियंत्रित करने के लिए चिट्टी के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के बाद उसे मानवीय भावनाओं को समझाने और प्रदर्शित करने की क्षमता प्रदान करता है। परियोजना उल्टी पड़ जाती है जब चिट्टी वशीकरण की प्रेमिका सनाक्स के प्यार में पड़ जाता है और एक अतिथि वैज्ञानिक बोराम द्वारा चालाकी से उसे मनवा घातक बना दिया जाता है। लगभग एक दशक तक विकास के चरण में रुके रहने के बाद फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी 2008 में शुरू हुई और 2 साल तक चली। फिल्म ने भारतीय सिनेमा में लिगेसी इफेक्ट्स स्टूडियो की शुरुआत की। एंथीरन मतलब रोबोट को 1 अक्टूबर 2010 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। कलानिधि मारन द्वारा निर्मित यह उस समय तक भारत की सबसे महंगी फिल्म थी। रिलीज होने पर फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने विशेष रूप से शंकर के निर्देशन, कथानक रजनीकांत के चिट्ठी के रूप में प्रदर्शन, संगीत, एक्शन दृश्यों, उत्पादन मूल्यों और वी श्रीनिवास मोहन के दृश्यों प्रभाव की सराहना की। एंथीरन मतलब रोबोट 2010 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की 51वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। इसने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 फिल्मफेयर पुरस्कार, 7 विजय पुरस्कार और 2 स्क्रीन पुरस्कार जीते। रोबोट के बाद एक स्टेंडुलम सीक्वल 2.0 आई, जो 2018 में रिलीज हुई थी। और ये बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो के वशीकरण के और चिट्टी के रूप में है, दोहरी भूमिका निभा रहे हैं रजनीकांत, वही सना के रूप में ऐश्वर्या राय बच्चन हमें दिखाई देंगे। प्रोफेसर बोहरा के रूप में डैनी डिज़ोगपा है, वही संतनम शिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वरुणास रवि के रूप में है। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दैनिक समाचार पत्र बिजनेस लाइन में बताया कि रोबोट ने शुरुआती सप्ताह में सभी संस्करणों से 58 करोड़ की कमाई की और द इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा कि इसने अपने शुरुआती सप्ताह के अंत तक 117 करोड़ की कमाई की। हिंदुस्तान टाइम्स की फरवरी 2015वीं एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने अपने जीवन काल में दुनिया भर में 250 करोड़ से अधिक की कमाई की है। इंडोनेशिया न्यूज सर्विस ने जुलाई 2015 में कहा कि फिल्म ने अपने मूल और डब दोनों संस्करणों से 290 करोड़ की कमाई की। रोबोट माय नेम इज खान और दबंग के बाद 2010 की शीर्ष कमाई वाली भारतीय फिल्म बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के स्टैंडुलम सिक्वल्स के बारे में तो सितंबर 2015 में लेखक वी जयमोहन ने घोषणा की कि इंतरिन मतलब रोबोट के लिए एक स्टैंडुलम सिक्वल का प्री प्रोडक्शन चरण पूरे जोरों पर चल रहा था और उस वर्ष के अंत तक रजनीकांत द्वारा कबाली के लिए फिल्मांकन समाप्त करने के बाद प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हो गई। रविंद्र नीरव शाह छायाकार होंगे और A.R. रहमान संगीत निर्देशक के रूप में लौटेंगे, जबकि समुद्रा
कलम निर्देशन संभालेंगे। सिक्वल को 3D में शूट किया जाएगा। इसके पूर्व के विपरीत जिसे 2D में शूट किया गया था और पोस्ट प्रोडक्शन में 3D में बदल दिया गया था। 2.0 शीर्षक से फिल्म ने दिसंबर 2015 में निर्माण में प्रवेश किया और 29 नवंबर 2018 को तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषाओं में दुनिया भर में रिलीज हुई। अक्षय कुमार और एमी जैक्सन द्वारा निभाए गए अतिरिक्त कलाकारों के साथ रजनीकांत ने वसीकरण और चिट्ठी के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिकॉर्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है रोबोट। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोबोट, जिसे तमिल में एंतिरन कहते हैं, वो 2010 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसे यस शंकर ने लिखा और निर्देशित किया है। यह उत्साही फिल्म श्रृंखला में पहली किस्त है। फिल्म में रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ डैनी डिजोगप्पा, संतानम और अरुणम सहायक भूमिका में हैं। साउंडट्रैक एल्बम और पृष्ठभूमि स्कोर AR रहमान द्वारा रचित थे, जबकि संवाद, छायांकन, संपादन और कलाम निर्देशन क्रमश मदन कार्की आर, रत्ना वेलून, एंथनी और साबू सिरिल द्वारा नियंत्रित किया गया था। कहानी एक वैज्ञानिक के वशीकरण के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है, जो चिट्टी नाम के अपने एंड्रॉइड ह्यूमनाइड रोबोट को नियंत्रित करने के लिए चिट्टी के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के बाद उसे मानवीय भावनाओं को समझाने और प्रदर्शित करने की क्षमता प्रदान करता है। परियोजना उल्टी पड़ जाती है जब चिट्टी वसीकरण की प्रेमिका सनाक्स के प्यार में पड़ जाता है और एक अतिथि वैज्ञानिक भोराम द्वारा चालाकी से उसे मनवा घातक बना दिया जाता है। लगभग एक दशक तक विकास के चरण में रुके रहने के बाद फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी 2008 में शुरू हुई और 2 साल तक चली। फिल्म ने भारतीय सिनेमा में लिगेसी इफेक्ट्स स्टूडियो की शुरुआत की। एंतिरन मतलब रोबोट को 1 अक्टूबर 2010 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। कलानिधि मारन द्वारा निर्मित यह उस समय तक भारत की सबसे महंगी फिल्म थी। रिलीज होने पर फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने विशेष रूप से शंकर के निर्देशन, कथानक रजनीकांत के चिट्ठी के रूप में प्रदर्शन, संगीत, एक्शन दृश्यों, उत्पादन मूल्यों और वी श्रीनिवास मोहन के दृश्यों प्रभाव की सराहना की। एंतिरन मतलब रोबोट 2010 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की 51वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। इसने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 फिल्मफेयर पुरस्कार, 7 विजय पुरस्कार और 2 स्क्रीन पुरस्कार जीते। रोबोट के बाद एक स्टेडुलम सीक्वल 2.0 आई जो 2018 में रिलीज हुई थी। और ये बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो के वसीकरण के और चिट्टी के रूप में है, दोहरी भूमिका निभा रहे हैं रजनीकांत, वही सना के रूप में ऐश्वर्या राय बच्चन हमें दिखाई देंगे। प्रोफेसर भोरा के रूप में डैनी डिजोगप्पा है, वही संतानम शिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वरुणास रवि के रूप में है। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दैनिक समाचार पत्र विजय
बिजनेस लाइन ने बताया कि रोबोट ने शुरुआती सप्ताह में सभी संस्करणों से 580 करोड़ मतलब 58 करोड़ की कमाई की। और द इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा कि इसने अपने शुरुआती सप्ताह के अंत तक 1.7 मतलब 117 करोड़ की कमाई की। हिंदुस्तान टाइम्स की फरवरी 2015वीं एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने अपने जीवन काल में दुनिया भर में 250 करोड़ से अधिक की कमाई की है। इंडोनेशिया न्यूज सर्विस ने जुलाई 2015 में कहा कि फिल्म ने अपने मूल और डब दोनों संस्करणों से 290 करोड़ की कमाई की। रोबोट माय नेम इज खान और दबंग के बाद 2010 की शीर्ष कमाई वाली भारतीय फिल्म बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के स्टैंडअलोन सीक्वल्स के बारे में तो सितंबर 2015 में लेखक बी जयमोहन ने घोषणा की कि इंतरिन मतलब रोबोट के लिए एक स्टैंडअलोन सीक्वल का प्री प्रोडक्शन चरण पूरे जोरों पर चल रहा था और उस वर्ष के अंत तक रजनीकांत द्वारा कबाली के लिए फिल्मांकन समाप्त करने के बाद प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हो गई। रविंद्र नीरव शाह छायाकार होंगे और A.R. रहमान संगीत निर्देशक के रूप में लौटेंगे जबकि समुद्रा कलाम निर्देशन संभालेंगे। सिक्वल को 3D में शूट किया जाएगा इसके पूर्व के विपरीत जिसे 2D में शूट किया गया था और पोस्ट प्रोडक्शन में 3D में बदल दिया गया था। 2.0 शीर्षक से फिल्म ने दिसंबर 2015 में निर्माण में प्रवेश किया और 29 नवंबर 2018 को तमिल तेलुगु और हिंदी भाषाओं में दुनिया भर में रिलीज हुई। अक्षय कुमार और एमी जैक्सन द्वारा निभाए गए अतिरिक्त कलाकारों के साथ रजनीकांत ने वसीकरण और चिट्ठी के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराया था। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है रोबोट। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोबोट जिसे तमिल में एंतिरन कहते हैं वो 2010 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसे यस शंकर ने लिखा और निर्देशित किया है। यह उत्साही फिल्म श्रृंखला में पहली किस्त है। फिल्म में रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ डैनी डिजोगप्पा संतानम और अरुणम सहायक भूमिका में हैं। साउंडट्रैक एल्बम और पृष्ठभूमि स्कोर A.R. रहमान द्वारा रचित थे जबकि संवाद छायांकन संपादन और कलाम निर्देशन क्रमश मदन कार्की आर रत्नावेलून एंथनी और साबू सिरिल द्वारा नियंत्रित किया गया था। कहानी एक वैज्ञानिक के वशीकरण के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है जो चिट्टी नाम के अपने एंड्रॉइड ह्यूमनाइड रोबोट को नियंत्रित करने के लिए चिट्टी के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के बाद उसे मानवीय भावनाओं को समझाने और प्रदर्शित करने की क्षमता प्रदान करता है। परियोजना उल्टी पड़ जाती है जब चिट्टी वशीकरण की प्रेमिका सनाक्स के प्यार में पड़ जाता है और एक अतिथि वैज्ञानिक बोराम द्वारा चालाकी से उसे मनवा घातक बना दिया जाता है। लगभग एक दशक तक विकास के चरण में रुके रहने के बाद फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी 2008 में शुरू हुई और 2 साल तक चली।
फिल्म ने भारतीय सिनेमा में लीगेसी इफेक्ट्स स्टूडियो की शुरुआत की। एंथीरन मतलब रोबोट को 1 अक्टूबर 2010 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। कलानिधि मारन द्वारा निर्मित यह उस समय तक भारत की सबसे महंगी फिल्म थी। रिलीज होने पर फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने विशेष रूप से शंकर के निर्देशन, कथानक रजनीकांत के चिट्ठी के रूप में, प्रदर्शन, संगीत, एक्शन दृश्यों, उत्पादन मूल्यों और वी श्रीनिवास मोहन के दृश्यों प्रभाव की सराहना की। एंथीरन मतलब रोबोट 2010 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की 51वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। इसने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 फिल्मफेयर पुरस्कार, 7 विजय पुरस्कार और 2 स्क्रीन पुरस्कार जीते। रोबोट के बाद एक स्टेडुलम सीक्वल 2.0 आई जो 2018 में रिलीज हुई थी। और ये बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो के वसीकरण के और चिट्टी के रूप में हैं, दोहरी भूमिका निभा रहे हैं रजनीकांत, वही सना के रूप में ऐश्वर्या राय बच्चन हमें दिखाई देंगे, प्रोफेसर बोहरा के रूप में डैनी डिज़ोगपा है, वही संतनम शिव के रूप में हमें दिखाई देंगे, वरुणास रवि के रूप में है। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दैनिक समाचार पत्र बिजनेस लाइन ने बताया कि रोबोट ने शुरुआती सप्ताह में सभी संस्करणों से 558 करोड़ की कमाई की। और द इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा कि इसने अपने शुरुआती सप्ताह के अंत तक 117 करोड़ की कमाई की। हिंदुस्तान टाइम्स की फरवरी 2015वीं एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने अपने जीवन काल में दुनिया भर में 250 करोड़ से अधिक की कमाई की है। इंडोनेशिया न्यूज सर्विस ने जुलाई 2015 में कहा कि फिल्म ने अपने मूल और डब दोनों संस्करणों से 290 करोड़ की कमाई की। रोबोट माय नेम इज खान और दबंग के बाद 2010 की शीर्ष कमाई वाली भारतीय फिल्म बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के स्टैंडअलोन सीक्वल्स के बारे में तो सितंबर 2015 में लेखक बी जयमोहन ने घोषणा की कि इंथीरन मतलब रोबोट के लिए एक स्टैंडअलोन सीक्वल का प्री प्रोडक्शन चरण पूरे जोरों पर चल रहा था और उस वर्ष के अंत तक रजनीकांत द्वारा कबाली के लिए फिल्मांकन समाप्त करने के बाद प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हो गई। रविंद्र नीरव शाह छायाकार होंगे और A.R. रहमान संगीत निर्देशक के रूप में लौटेंगे, जबकि समुद्रा कलाम निर्देशन संभालेंगे। सीक्वल को 3D में शूट किया जाएगा। इसके पूर्व के विपरीत जिसे 2D में शूट किया गया था और पोस्ट प्रोडक्शन में 3D में बदल दिया गया था। 2.0 शीर्षक से फिल्म ने दिसंबर 2015 में निर्माण में प्रवेश किया और 29 नवंबर 2018 को तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषाओं में दुनिया भर में रिलीज हुई। अक्षय कुमार और एमी जैक्सन द्वारा निभाए गए अतिरिक्त कलाकारों के साथ रजनीकांत ने वसीकरण और चिट्ठी के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है रोबोट। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोबोट जिसे तमिल में एंथीरन कहते हैं वो 2010 की भारतीय तमिल भाषा की
साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसे यश शंकर ने लिखा और निर्देशित किया है। यह उत्साही फिल्म श्रृंखला में पहली किस्त है। फिल्म में रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ डैनी डिजोगप्पा संतानम और अरुणम सहायक भूमिका में हैं। साउंड ट्रैक एल्बम और पृष्ठभूमि स्कोर ए आर रहमान द्वारा रचित थे, जबकि संवाद छायांकन संपादन और कलाम निर्देशन क्रमश मदन कार्की आर रत्नावेलु एंथनी और साबू सिरिल द्वारा नियंत्रित किया गया था। कहानी एक वैज्ञानिक के वशीकरण के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है जो चिट्टी नाम के अपने एंड्रॉइड ह्यूमनाइड रोबोट को नियंत्रित करने के लिए चिट्टी के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के बाद उसे मानवीय भावनाओं को समझाने और प्रदर्शित करने की क्षमता प्रदान करता है। परियोजना उल्टी पड़ जाती है जब चिट्टी वशीकरण की प्रेमिका सनाक्स के प्यार में पड़ जाता है और एक अतिथि वैज्ञानिक भोराम द्वारा चालाकी से उसे मनवा घातक बना दिया जाता है। लगभग एक दशक तक विकास के चरण में रुके रहने के बाद फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी 2008 में शुरू हुई और 2 साल तक चली। फिल्म ने भारतीय सिनेमा में लिगेसी इफेक्ट्स स्टूडियो की शुरुआत की। एंथीरन मतलब रोबोट को 1 अक्टूबर 2010 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। कलानिधि मारन द्वारा निर्मित यह उस समय तक भारत की सबसे महंगी फिल्म थी। रिलीज होने पर फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने विशेष रूप से शंकर के निर्देशन कथानक रजनीकांत के चिट्ठी के रूप में प्रदर्शन संगीत एक्शन दृश्यों उत्पादन मूल्यों और वी श्रीनिवास मोहन के दृश्यों प्रभाव की सराहना की। एंथीरन मतलब रोबोट 2010 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की 51वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। इसने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 3 फिल्मफेयर पुरस्कार 7 विजय पुरस्कार और 2 स्क्रीन पुरस्कार जीते। रोबोट के बाद एक स्टेट डुलम सीक्वल 2.0 आई जो 2018 में रिलीज हुई थी। और ये बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो के वशीकरण के और चिट्टी के रूप में है, दोहरी भूमिका निभा रहे हैं रजनीकांत, वही सना के रूप में ऐश्वर्या राय बच्चन हमें दिखाई देंगे। प्रोफेसर भोरा के रूप में डैनी डिजोगप्पा है, वही संतानम शिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वरुणास रवि के रूप में है। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दैनिक समाचार पत्र बिजनेस लाइन ने बताया कि रोबोट ने शुरुआती सप्ताह में सभी संस्करणों से 58 करोड़ की कमाई की और द इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा कि इसने अपने शुरुआती सप्ताह के अंत तक 117 करोड़ की कमाई की। हिंदुस्तान टाइम्स की फरवरी 2015वीं एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने अपने जीवन काल में दुनिया भर में 250 करोड़ से अधिक की कमाई की है। इंडोनेशिया न्यूज सर्विस ने जुलाई 2015 में कहा कि फिल्म ने अपने मूल और डब दोनों संस्करणों से 290 करोड़ की कमाई की। रोबोट माय नेम इज खान और दबंग के बाद 2010 की शीर्ष कमाई वाली भारतीय फिल्म बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के स्टैंडअलोन सीक्वल्स के बारे में तो
सितंबर 2015 में लेखक बी जयमोहन ने घोषणा की कि इंटरिन मतलब रोबोट के लिए एक स्टैंडअलोन सीक्वल का प्री प्रोडक्शन चरण पूरे जोरों पर चल रहा था और उस वर्ष के अंत तक रजनीकांत द्वारा कबाली के लिए फिल्मांकन समाप्त करने के बाद प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हो गई। रविंद्र नीरव शाह छायाकार होंगे और A.R. रहमान संगीत निर्देशक के रूप में लौटेंगे, जबकि समुद्रा कलाम निर्देशन संभालेंगे। सिक्वल को 3D में शूट किया जाएगा, इसके पूर्व के विपरीत जिसे 2D में शूट किया गया था और पोस्ट प्रोडक्शन में 3D में बदल दिया गया था। 2.0 शीर्षक से फिल्म ने दिसंबर 2015 में निर्माण में प्रवेश किया और 29 नवंबर 2018 को तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषाओं में दुनिया भर में रिलीज हुई। अक्षय कुमार और एमी जैक्सन द्वारा निभाए गए अतिरिक्त कलाकारों के साथ रजनीकांत ने वसीकरण और चिट्ठी के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिकॉर्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है रोबोट। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोबोट जिसे तमिल में एंतिरन कहते हैं वो 2010 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसे यस शंकर ने लिखा और निर्देशित किया है। यह उत्साही फिल्म श्रृंखला में पहली किस्त है। फिल्म में रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ डैनी डिजोगप्पा संतानम और अरुणम सहायक भूमिका में हैं। साउंडट्रैक एल्बम और पृष्ठभूमि स्कोर A.R. रहमान द्वारा रचित थे, जबकि संवाद छायांकन संपादन और कलाम निर्देशन क्रमश मदन कार्की आर रत्नावेलु एंथनी और साबू सिरिल द्वारा नियंत्रित किया गया था। कहानी एक वैज्ञानिक के वशीकरण के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है जो चिट्टी नाम के अपने एंड्रॉइड ह्यूमनॉइड रोबोट को नियंत्रित करने के लिए चिट्टी के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के बाद उसे मानवीय भावनाओं को समझाने और प्रदर्शित करने की क्षमता प्रदान करता है। परियोजना उल्टी पड़ जाती है जब चिट्टी वसीकरण की प्रेमिका सनाक्स के प्यार में पड़ जाता है और एक अतिथि वैज्ञानिक बोराम द्वारा चालाकी से उसे मनवा घातक बना दिया जाता है। लगभग एक दशक तक विकास के चरण में रुके रहने के बाद फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी 2008 में शुरू हुई और 2 साल तक चली। फिल्म ने भारतीय सिनेमा में लिगेसी इफेक्ट्स स्टूडियो की शुरुआत की। एंतिरन मतलब रोबोट को 1 अक्टूबर 2010 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। कलानिधि मारन द्वारा निर्मित यह उस समय तक भारत की सबसे महंगी फिल्म थी। रिलीज होने पर फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने विशेष रूप से शंकर के निर्देशन, कथानक रजनीकांत के चिट्ठी के रूप में प्रदर्शन, संगीत, एक्शन दृश्यों, उत्पादन मूल्यों और वी श्रीनिवास मोहन के दृश्यों प्रभाव की सराहना की। एंतिरन मतलब रोबोट 2010 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की 51वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। इसने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 फिल्मफेयर पुरस्कार, 7 विजय पुरस्कार और 2 स्क्रीन पुरस्कार जीते। रोबोट के बाद एक स्टेट
दुलम सीक्वल 2.0 आई जो 2018 में रिलीज हुई थी। और ये बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो के वसीकरण के और चिट्टी के रूप में है, दोहरी भूमिका निभा रहे हैं रजनीकांत, वही सना के रूप में ऐश्वर्या राय बच्चन हमें दिखाई देंगे, प्रोफेसर बोहरा के रूप में डैनी लिज़ो गपा है, वही संतनम शिव के रूप में हमें दिखाई देंगे, वरुणास रवि के रूप में है। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दैनिक समाचार पत्र बिजनेस लाइन में बताया कि रोबोट ने शुरुआती सप्ताह में सभी संस्करणों से 580 करोड़ मतलब 58 करोड़ की कमाई की। और द इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा कि इसने अपने शुरुआती सप्ताह के अंत तक 1.7 मतलब 117 करोड़ की कमाई की। हिंदुस्तान टाइम्स की फरवरी 2015 भी एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने अपने जीवन काल में दुनिया भर में 250 करोड़ से अधिक की कमाई की है। इंडोनेशिया न्यूज सर्विस ने जुलाई 2015 में कहा कि फिल्म ने अपने मूल और डब दोनों संस्करणों से 290 करोड़ की कमाई की। रोबोट माय नेम इज खान और दबंग के बाद 2010 की शीर्ष कमाई वाली भारतीय फिल्म बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के स्टैंडअलोन सीक्वल्स के बारे में तो सितंबर 2015 में लेखक बी जयमोहन ने घोषणा की कि इंतरिन मतलब रोबोट के लिए एक स्टैंडअलोन सीक्वल का प्री प्रोडक्शन चरण पूरे जोरों पर चल रहा था और उस वर्ष के अंत तक रजनीकांत द्वारा कबाली के लिए फिल्मांकन समाप्त करने के बाद प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हो गई। रवि नीरव शाह छायाकार होंगे और AR रहमान संगीत निर्देशक के रूप में लौटेंगे, जबकि समुद्रा कलाम निर्देशन संभालेंगे। सीक्वल को 3D में शूट किया जाएगा, इसके पूर्व के विपरीत जिसे 2D में शूट किया गया था और पोस्ट प्रोडक्शन में 3D में बदल दिया गया था। 2.0 शीर्षक से फिल्म ने दिसंबर 2015 में निर्माण में प्रवेश किया और 29 नवंबर 2018 को तमिल तेलुगु और हिंदी भाषाओं में दुनिया भर में रिलीज हुई। अक्षय कुमार और एमी जैक्सन द्वारा निभाए गए अतिरिक्त कलाकारों के साथ रजनीकांत ने वसीकरण और चिट्ठी के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है रोबोट। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोबोट जिसे तमिल में एंतिरन कहते हैं वो 2010 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसे यस शंकर ने लिखा और निर्देशित किया है। यह उत्साही फिल्म श्रृंखला में पहली किस्त है। फिल्म में रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ डैनी लिज़ो गपा संतनम और अरुणम सहायक भूमिका में हैं। साउंडट्रैक एल्बम और पृष्ठभूमि स्कोर AR रहमान द्वारा रचित थे, जबकि संवाद छायांकन संपादन और कलाम निर्देशन क्रमश मदन कार्की आर रत्नावेलु एंथनी और साबू सिरिल द्वारा नियंत्रित किया गया था। कहानी एक वैज्ञानिक के वसीकरण के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है जो चिट्टी नाम के अपने एंड्रॉइड ह्यूमनॉइड रोबोट को नियंत्रित करने के लिए चिट्टी के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के बाद उसे मानवीय भावनाओं को समझाने और
प्रदर्शित करने की क्षमता प्रदान करता है। परियोजना उल्टी पड़ जाती है जब चिट्टी वशीकरण की प्रेमिका सनाक्स के प्यार में पड़ जाता है और एक अतिथि वैज्ञानिक बोराम द्वारा चालाकी से उसे मनोघातक बना दिया जाता है। लगभग एक दशक तक विकास के चरण में रुके रहने के बाद फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी 2008 में शुरू हुई और 2 साल तक चली। फिल्म ने भारतीय सिनेमा में लिगेसी इफेक्ट्स स्टूडियो की शुरुआत की। एंथीरन मतलब रोबोट को 1 अक्टूबर 2010 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। कलानिधि मारन द्वारा निर्मित यह उस समय तक भारत की सबसे महंगी फिल्म थी। रिलीज होने पर फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने विशेष रूप से शंकर के निर्देशन, कथानक रजनीकांत के चिट्ठी के रूप में प्रदर्शन, संगीत, एक्शन दृश्यों, उत्पादन मूल्यों और वी श्रीनिवास मोहन के दृश्यों प्रभाव की सराहना की। एंथीरन मतलब रोबोट 2010 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की 51वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। इसने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 फिल्मफेयर पुरस्कार, 7 विजय पुरस्कार और 2 स्क्रीन पुरस्कार जीते। रोबोट के बाद एक स्टेट डुलम सीक्वल 2.0 आई जो 2018 में रिलीज हुई थी। और ये बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो के वसीकरण के और चिट्टी के रूप में है, दोहरी भूमिका निभा रहे हैं रजनीकांत, वही सना के रूप में ऐश्वर्या राय बच्चन हमें दिखाई देंगे। प्रोफेसर बोहरा के रूप में डैनी डिज़ोगपा है, वही संतनम शिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वरुणास रवि के रूप में है। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दैनिक समाचार पत्र बिजनेस लाइन ने बताया कि रोबोट ने शुरुआती सप्ताह में सभी संस्करणों से 58 करोड़ की कमाई की और द इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा कि इसने अपने शुरुआती सप्ताह के अंत तक 117 करोड़ की कमाई की। हिंदुस्तान टाइम्स की फरवरी 2015वीं एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने अपने जीवन काल में दुनिया भर में 250 करोड़ से अधिक की कमाई की है। इंडोनेशिया न्यूज सर्विस ने जुलाई 2015 में कहा कि फिल्म ने अपने मूल और डब दोनों संस्करणों से 290 करोड़ की कमाई की। रोबोट माय नेम इज खान और दबंग के बाद 2010 की शीर्ष कमाई वाली भारतीय फिल्म बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के स्टैंडअलोन सीक्वल्स के बारे में तो सितंबर 2015 में लेखक बी जयमोहन ने घोषणा की कि इंतरिन मतलब रोबोट के लिए एक स्टैंडअलोन सीक्वल का प्री प्रोडक्शन चरण पूरे जोरों पर चल रहा था और उस वर्ष के अंत तक रजनीकांत द्वारा कबाली के लिए फिल्मांकन समाप्त करने के बाद प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हो गई। रविंद्र नीरव शाह छायाकार होंगे और A.R. रहमान संगीत निर्देशक के रूप में लौटेंगे जबकि समुद्रा कलाम निर्देशन संभालेंगे। सीक्वल को 3D में शूट किया जाएगा। इसके पूर्व के विपरीत जिसे 2D में शूट किया गया था और पोस्ट प्रोडक्शन में 3D में बदल दिया गया था। 2.0 शीर्षक से फिल्म ने दिसंबर 2015 में निर्माण में प्रवेश किया और 29 नवंबर 2018 को तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषाओं में दुनिया भर में रिलीज हुई।
अक्षय कुमार और एमी जैक्सन द्वारा निभाए गए अतिरिक्त कलाकारों के साथ रजनीकांत ने वसीकरण और चिट्ठी के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है रोबोट। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोबोट, जिसे तमिल में एंथिरन कहते हैं, वो 2010 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसे यस शंकर ने लिखा और निर्देशित किया है। यह उत्साही फिल्म श्रृंखला में पहली किस्त है। फिल्म में रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ डैनी डिजोगप्पा, संतानम और अरुणम सहायक भूमिका में हैं। साउंडट्रैक एल्बम और पृष्ठभूमि स्कोर ए आर रहमान द्वारा रचित थे, जबकि संवाद, छायांकन, संपादन और कलाम निर्देशन क्रमश मदन कार्की आर, रत्नावेलू एंथनी और साबू सिरिल द्वारा नियंत्रित किया गया था। कहानी एक वैज्ञानिक के वशीकरण के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है, जो चिट्टी नाम के अपने एंड्रॉइड ह्यूमनाइड रोबोट को नियंत्रित करने के लिए चिट्टी के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के बाद उसे मानवीय भावनाओं को समझाने और प्रदर्शित करने की क्षमता प्रदान करता है। परियोजना उल्टी पड़ जाती है जब चिट्टी वसीकरण की प्रेमिका सनाक्स के प्यार में फट जाता है और एक अतिथि वैज्ञानिक बोराम द्वारा चालाकी से उसे मनोवा घातक बना दिया जाता है। लगभग एक दशक तक विकास के चरण में रुके रहने के बाद फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी 2008 में शुरू हुई और 2 साल तक चली। फिल्म ने भारतीय सिनेमा में लिगेसी इफेक्ट्स स्टूडियो की शुरुआत की। एंथिरन मतलब रोबोट को 1 अक्टूबर 2010 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। कलानिधि मारन द्वारा निर्मित यह उस समय तक भारत की सबसे महंगी फिल्म थी। रिलीज होने पर फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने विशेष रूप से शंकर के निर्देशन, कथानक रजनीकांत के चिट्ठी के रूप में प्रदर्शन, संगीत, एक्शन दृश्यों, उत्पादन मूल्यों और वी श्रीनिवास मोहन के दृश्यों प्रभाव की सराहना की। एंथिरन मतलब रोबोट 2010 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की 51वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। इसने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 फिल्मफेयर पुरस्कार, 7 विजय पुरस्कार और 2 स्क्रीन पुरस्कार जीते। रोबोट के बाद एक स्टेट नुलम सीक्वल 2.0 आई जो 2018 में रिलीज हुई थी। और ये बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो के वसीकरण के और चिट्टी के रूप में है, दोहरी भूमिका निभा रहे हैं रजनीकांत, वही सना के रूप में ऐश्वर्या राय बच्चन हमें दिखाई देंगे। प्रोफेसर बोहरा के रूप में डैनी डिजोगप्पा है, वही संतानम शिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वरुणास रवि के रूप में है। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दैनिक समाचार पत्र बिजनेस लाइन ने बताया कि रोबोट ने शुरुआती सप्ताह में सभी संस्करणों से 580 करोड़ मतलब 58 करोड़ की कमाई की और द इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा कि इसने अपने शुरुआती सप्ताह के अंत तक 1.7 मतलब 117 करोड़ की कमाई की। हिंदुस्तान टाइम्स की फरवरी 2015वीं एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने अपने जीवन काल में दुनिया भर में
250 करोड़ से अधिक की कमाई की है। इंडोनेशिया न्यूज सर्विस ने जुलाई 2015 में कहा कि फिल्म ने अपने मूल और डब दोनों संस्करणों से 290 करोड़ की कमाई की। रोबोट माई नेम इज खान और दबंग के बाद 2010 की शीर्ष कमाई वाली भारतीय फिल्म बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के स्टैंडअलोन सीक्वल्स के बारे में तो सितंबर 2015 में लेखक बी जयमोहन ने घोषणा की कि इंतरिन मतलब रोबोट के लिए एक स्टैंडअलोन सीक्वल का प्री प्रोडक्शन चरण पूरे जोरों पर चल रहा था और उस वर्ष के अंत तक रजनीकांत द्वारा कबाली के लिए फिल्मांकन समाप्त करने के बाद प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हो गई। रविंद्र नीरव शाह छायाकार होंगे और A.R. रहमान संगीत निर्देशक के रूप में लौटेंगे, जबकि समुद्रा कलाम निर्देशन संभालेंगे। सिक्वल को 3D में शूट किया जाएगा, इसके पूर्व के विपरीत जिसे 2D में शूट किया गया था और पोस्ट प्रोडक्शन में 3D में बदल दिया गया था। 2.0 शीर्षक से फिल्म ने दिसंबर 2015 में निर्माण में प्रवेश किया और 29 नवंबर 2018 को तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषाओं में दुनिया भर में रिलीज हुई। अक्षय कुमार और एमी जैक्सन द्वारा निभाए गए अतिरिक्त कलाकारों के साथ रजनीकांत ने वसीकरण और चिट्ठी के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है रोबोट। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोबोट जिसे तमिल में एंतिरन कहते हैं वो 2010 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसे यस शंकर ने लिखा और निर्देशित किया है। यह उत्साही फिल्म श्रृंखला में पहली किस्त है। फिल्म में रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ डैनी डिजोगप्पा संतानम और अरुणम सहायक भूमिका में हैं। साउंडट्रैक एल्बम और पृष्ठभूमि स्कोर A.R. रहमान द्वारा रचित थे, जबकि संवाद छायांकन संपादन और कलाम निर्देशन क्रमश मदन कार्की आर रत्नावेलून एंथनी और साबू सिरिल द्वारा नियंत्रित किया गया था। कहानी एक वैज्ञानिक के वशीकरण के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है जो चिट्टी नाम के अपने एंड्रॉइड ह्यूमनाइड रोबोट को नियंत्रित करने के लिए चिट्टी के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के बाद उसे मानवीय भावनाओं को समझाने और प्रदर्शित करने की क्षमता प्रदान करता है। परियोजना उल्टी पड़ जाती है जब चिट्टी वसीकरण की प्रेमिका सनाक्स के प्यार में पड़ जाता है और एक अतिथि वैज्ञानिक बोराम द्वारा चालाकी से उसे मनवा घातक बना दिया जाता है। लगभग एक दशक तक विकास के चरण में रुके रहने के बाद फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी 2008 में शुरू हुई और 2 साल तक चली। फिल्म ने भारतीय सिनेमा में लिगेसी इफेक्ट्स स्टूडियो की शुरुआत की। एंतिरन मतलब रोबोट को 1 अक्टूबर 2010 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। कलानिधि मारन द्वारा निर्मित यह उस समय तक भारत की सबसे महंगी फिल्म थी। रिलीज होने पर फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने विशेष रूप से शंकर के निर्देशन
कथानक रजनीकांत के चिट्ठी के रूप में, प्रदर्शन, संगीत, एक्शन दृश्यों, उत्पादन मूल्यों और वी श्रीनिवास मोहन के दृश्यों प्रभाव की सराहना की। इंतिरन मतलब रोबोट 2010 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की 51वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। इसने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 फिल्मफेयर पुरस्कार, 7 विजय पुरस्कार और 2 स्क्रीन पुरस्कार जीते। रोबोट के बाद एक स्टेंडुलम सीक्वल 2.0 आई जो 2018 में रिलीज हुई थी। और ये बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो के वसीकरण के और चिट्टी के रूप में हैं, दोहरी भूमिका निभा रहे हैं रजनीकांत, वही सना के रूप में ऐश्वर्या राय बच्चन हमें दिखाई देंगे, प्रोफेसर बोहरा के रूप में डैनी डिसूज़ा है, वही संतनम शिव के रूप में हमें दिखाई देंगे, वरुणास रवि के रूप में है। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दैनिक समाचार पत्र बिजनेस लाइन ने बताया कि रोबोट ने शुरुआती सप्ताह में सभी संस्करणों से 580 करोड़ मतलब 58 करोड़ की कमाई की। और द इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा कि इसने अपने शुरुआती सप्ताह के अंत तक 1.7 मतलब 117 करोड़ की कमाई की। हिंदुस्तान टाइम्स की फरवरी 2015वीं एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने अपने जीवन काल में दुनिया भर में 250 करोड़ से अधिक की कमाई की है। इंडोनेशिया न्यूज सर्विस ने जुलाई 2015 में कहा कि फिल्म ने अपने मूल और डब दोनों संस्करणों से 290 करोड़ की कमाई की। रोबोट माय नेम इज खान और दबंग के बाद 2010 की शीर्ष कमाई वाली भारतीय फिल्म बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के स्टैंडुलम सिक्वल्स के बारे में तो सितंबर 2015 में लेखक बी जयमोहन ने घोषणा की कि इंतरिन मतलब रोबोट के लिए एक स्टैंडुलो सिक्वल का प्री प्रोडक्शन चरण पूरे जोरों पर चल रहा था और उस वर्ष के अंत तक रजनीकांत द्वारा कबाली के लिए फिल्मांकन समाप्त करने के बाद प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हो गई। रविंद्र नीरव शाह छायाकार होंगे और AR रहमान संगीत निर्देशक के रूप में लौटेंगे, जबकि समुद्रा कलाम निर्देशन संभालेंगे। सिक्वल को 3D में शूट किया जाएगा, इसके पूर्व के विपरीत जिसे 2D में शूट किया गया था और पोस्ट प्रोडक्शन में 3D में बदल दिया गया था। 2.0 शीर्षक से फिल्म ने दिसंबर 2015 में निर्माण में प्रवेश किया और 29 नवंबर 2018 को तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषाओं में दुनिया भर में रिलीज हुई। अक्षय कुमार और एमी जैक्सन द्वारा निभाए गए अतिरिक्त कलाकारों के साथ रजनीकांत ने वसीकरण और चिट्ठी के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है रोबोट। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोबोट जिसे तमिल में एंतिरन कहते हैं वो 2010 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसे यस शंकर ने लिखा और निर्देशित किया है। यह उत्साही फिल्म श्रृंखला में पहली किस्त है। फिल्म में रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ डैनी डिसूज़ा, संतनम और अरुणम सहायक भूमिका में हैं। साउंडट्रैक एल्बम और पृष्ठभूमि स्कोर AR रहमान द्वारा रचित थे, जबकि संवाद, छायांकन, संपादन और कलाम
निर्देशन क्रमश मदन कार्की आर, रत्ना वेलू इंथनी और साबू सिरिल द्वारा नियंत्रित किया गया था। कहानी एक वैज्ञानिक के वशीकरण के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है, जो चिट्टी नाम के अपने एंड्रॉइड ह्यूमनाइड रोबोट को नियंत्रित करने के लिए चिट्टी के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के बाद उसे मानवीय भावनाओं को समझाने और प्रदर्शित करने की क्षमता प्रदान करता है। परियोजना उल्टी पड़ जाती है जब चिट्टी वशीकरण की प्रेमिका सनाक्स के प्यार में पड़ जाता है और एक अतिथि वैज्ञानिक बोराम द्वारा चालाकी से उसे मनवा घातक बना दिया जाता है। लगभग एक दशक तक विकास के चरण में रुके रहने के बाद फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी 2008 में शुरू हुई और 2 साल तक चली। फिल्म ने भारतीय सिनेमा में लिगेसी इफेक्ट्स स्टूडियो की शुरुआत की। इंथिरन मतलब रोबोट को 1 अक्टूबर 2010 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। कलानिधि मारन द्वारा निर्मित यह उस समय तक भारत की सबसे महंगी फिल्म थी। रिलीज होने पर फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने विशेष रूप से शंकर के निर्देशन, कथानक रजनीकांत के चिट्ठी के रूप में प्रदर्शन, संगीत, एक्शन दृश्यों, उत्पादन मूल्यों और वी श्रीनिवास मोहन के दृश्यों प्रभाव की सराहना की। इंथिरन मतलब रोबोट 2010 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की 51वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। इसने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 फिल्मफेयर पुरस्कार, 7 विजय पुरस्कार और 2 स्क्रीन पुरस्कार जीते। रोबोट के बाद एक स्टेट नुलम सीक्वल 2.0 आई जो 2018 में रिलीज हुई थी। और ये बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो के वशीकरण के और चिट्टी के रूप में है, दोहरी भूमिका निभा रहे हैं रजनीकांत, वही सना के रूप में ऐश्वर्या राय बच्चन हमें दिखाई देंगे। प्रोफेसर बोहरा के रूप में डैनी डिज़ोगपा है, वही संतनम शिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वरुणास रवि के रूप में है। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दैनिक समाचार पत्र बिजनेस लाइन में बताया कि रोबोट ने शुरुआती सप्ताह में सभी संस्करणों से 58 करोड़ की कमाई की और द इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा कि इसने अपने शुरुआती सप्ताह के अंत तक 117 करोड़ की कमाई की। हिंदुस्तान टाइम्स की फरवरी 2015वीं एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने अपने जीवन काल में दुनिया भर में 250 करोड़ से अधिक की कमाई की है। इंडोनेशिया न्यूज सर्विस ने जुलाई 2015 में कहा कि फिल्म ने अपने मूल और डब दोनों संस्करणों से 290 करोड़ की कमाई की। रोबोट माय नेम इज खान और दबंग के बाद 2010 की शीर्ष कमाई वाली भारतीय फिल्म बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के स्टैंडअलोन सीक्वल्स के बारे में तो सितंबर 2015 में लेखक बी जयमोहन ने घोषणा की कि इंथिरन मतलब रोबोट के लिए एक स्टैंडअलोन सीक्वल का प्री प्रोडक्शन चरण पूरे जोरों पर चल रहा था और उस वर्ष के अंत तक रजनीकांत द्वारा कबाली के लिए फिल्मांकन समाप्त करने के बाद प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हो गई। रवि नीरव शाह छायाकार होने
होंगे और ए आर रहमान संगीत निर्देशक के रूप में लौटेंगे, जबकि समुद्रा कलाम निर्देशन संभालेंगे। सिक्वल को 3D में शूट किया जाएगा, इसके पूर्व के विपरीत जिसे 2D में शूट किया गया था और पोस्ट प्रोडक्शन में 3D में बदल दिया गया था। 2.0 शीर्षक से फिल्म ने दिसंबर 2015 में निर्माण में प्रवेश किया और 29 नवंबर 2018 को तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषाओं में दुनिया भर में रिलीज हुई। अक्षय कुमार और एमी जैक्सन द्वारा निभाए गए अतिरिक्त कलाकारों के साथ रजनीकांत ने वसीकरण और चिट्ठी के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है रोबोट। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोबोट, जिसे तमिल में एंतिरन कहते हैं, वो 2010 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जिसे यस शंकर ने लिखा और निर्देशित किया है। यह उत्साही फिल्म श्रृंखला में पहली किस्त है। फिल्म में रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ डैनी डिजोगप्पा, संतानम और अरुणाम सहायक भूमिका में हैं। साउंडट्रैक एल्बम और पृष्ठभूमि स्कोर ए आर रहमान द्वारा रचित थे, जबकि संवाद, छायांकन, संपादन और कलाम निर्देशन क्रमश मदन कार्की आर, रत्नावेलू एंथनी और साबू सिरिल द्वारा नियंत्रित किया गया था। कहानी एक वैज्ञानिक के वशीकरण के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है, जो चिट्टी नाम के अपने एंड्रॉइड ह्यूमनाइड रोबोट को नियंत्रित करने के लिए चिट्टी के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के बाद उसे मानवीय भावनाओं को समझाने और प्रदर्शित करने की क्षमता प्रदान करता है। परियोजना उल्टी पड़ जाती है जब चिट्टी वसीकरण की प्रेमिका सनाक्स के प्यार में पड़ जाता है और एक अद्वितीय वैज्ञानिक भोराम द्वारा चालाकी से उसे मनवा घातक बना दिया जाता है। लगभग एक दशक तक विकास के चरण में रुके रहने के बाद फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी 2008 में शुरू हुई और 2 साल तक चली। फिल्म ने भारतीय सिनेमा में लिगेसी इफेक्ट्स स्टूडियो की शुरुआत की। एंतिरन मतलब रोबोट को 1 अक्टूबर 2010 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। कलानिधि मारन द्वारा निर्मित यह उस समय तक भारत की सबसे महंगी फिल्म थी। रिलीज होने पर फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने विशेष रूप से शंकर के निर्देशन, कथानक रजनीकांत के चिट्ठी के रूप में प्रदर्शन, संगीत, एक्शन दृश्यों, उत्पादन मूल्यों और वी श्रीनिवास मोहन के दृश्यों प्रभाव की सराहना की। एंतिरन मतलब रोबोट 2010 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की 51वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। इसने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 फिल्मफेयर पुरस्कार, 7 विजय पुरस्कार और 2 स्क्रीन पुरस्कार जीते। रोबोट के बाद एक स्टेंडुलम सीक्वल 2.0 आई, जो 2018 में रिलीज हुई थी। और ये बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो के वसीकरण के और चिट्टी के रूप में है दोहरी भूमिका निभा रहे हैं रजनीकांत, वही सना के रूप में ऐश्वर्या राय बच्चन हमें दिखाई देंगे। प्रोफेसर भोरा के रूप में डैनी डिजोगप्पा है, वही संतानम शिव के रूप में हमें दिखाई देंगे।
वरुण आज रवि के रूप में है। तो बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दैनिक समाचार पत्र बिजनेस लाइन ने बताया कि रोबोट ने शुरुआती सप्ताह में सभी संस्करणों से 580 करोड़ मतलब 58 करोड़ की कमाई की। और द इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा कि इसने अपने शुरुआती सप्ताह के अंत तक 1.7 मतलब 117 करोड़ की कमाई की। हिंदुस्तान टाइम्स की फरवरी 2015 की एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने अपने जीवन काल में दुनिया भर में 250 करोड़ से अधिक की कमाई की है। इंडोनेशिया न्यूज सर्विस ने जुलाई 2015 में कहा कि फिल्म ने अपने मूल और डब दोनों संस्करणों से 290 करोड़ की कमाई की। रोबोट माय नेम इज खान और दबंग के बाद 2010 की शीर्ष कमाई वाली भारतीय फिल्म बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के स्टैंडअलोन सीक्वल्स के बारे में, तो सितंबर 2015 में लेखक बी जय मोहन ने घोषणा की कि इंतरिन मतलब रोबोट के लिए एक स्टैंडअलोन सीक्वल का प्री प्रोडक्शन चरण पूरे जोरों पर चल रहा था और उस वर्ष के अंत तक रजनीकांत द्वारा कबाली के लिए फिल्मांकन समाप्त करने के बाद प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हो गई। रविंद्र नीरव शाह छायाकार होंगे और A.R. रहमान संगीत निर्देशक के रूप में लौटेंगे, जबकि समुद्रा कलाम निर्देशन संभालेंगे। सिक्वल को 3D में शूट किया जाएगा, इसके पूर्व के विपरीत जिसे 2D में शूट किया गया था और पोस्ट प्रोडक्शन में 3D में बदल दिया गया था। 2.0 शीर्षक से फिल्म ने दिसंबर 2015 में निर्माण में प्रवेश किया और 29 नवंबर 2018 को तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषाओं में दुनिया भर में रिलीज हुई। अक्षय कुमार और एमी जैक्सन द्वारा निभाए गए अतिरिक्त कलाकारों के साथ रजनीकांत ने वसीकरण और चिट्ठी के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।